हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक चेंज प्लीज नोट कर लीजिएगा दैट, क्योंकि एक्चुअल गेट मैकेनिकल 2:30 बजे है, इसलिए अब से जो टेस्ट होंगे वो सारे 2:30 बजे होंगे। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, सारे ही टेस्ट। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। ऑडिबल हूं मैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑडिबल हूं मैं? गुड चेंज सर। हाँ, एक्सेप्ट दैट समहाउ दैट कैमरा इज स्टिल स्ट्रेचिंग मी अ लिटिल बिट, आई मीन कॉम्प्रेसिंग मी अ लिटिल बिट। एक सेकेंड। लंकापति रावण ने भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, अब बस। हाँ, नाउ आई कैन, आई हैव वन मोर स्क्रीन जिसपे मैं आपके कमेंट्स देखता रहूंगा। क्या ही तो बात है। ऐड, हाँ, मेरे चैनल पे ऐड दिखने लग गए होंगे क्योंकि मैंने मोनेटाइज कर दिया है, तो खूब मेरे चैनल पर ऐड आप देखते रहें और रोकड़ा इधर आने दें थोड़ा बहुत। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। 45 प्रैक्टिस सेशंस, 45 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 7 फुल लेंथ टेस्ट, 2.5 से 3 हजार सुपर क्वेश्चंस, और ये सब कुछ हम इनफाइनाइट डिटरमिनेशन के साथ एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एट जस्ट 499। गो टू www.unmatchable.in टुडे इटसेल्फ एंड मेक श्योर दैट यू एनरोल इन दिस कोर्स। अगर अभी तक तो आपने एनरोल नहीं किया है बेटा, ये बिलीव मी, ये वर्थ है। आपको बहुत 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 एडवांटेज मिलने वाला है। जैसे किसी ने कल मुझसे क्वेरी की थी कि ऐड पे क्लिक भी करना है क्या। नहीं, ऐड पे क्लिक नहीं करना है, सबको एडजस्ट किया था। स्टिल पैडल व्हील का इनपुट वर्क निकालना पड़ रहा था। अच्छा, पैडल व्हील वाले प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा है। पैडल व्हील वाला वर्क कैसे निकालते हैं भाई? वो प्रॉब्लम में मैं खेल गया बस, और कुछ नहीं। उस प्रॉब्लम में बस मैं सिंपली खेला हूं आप लोगों के साथ। वो प्रॉब्लम 2 लाइन की प्रॉब्लम है, खत्म है 2 लाइन में, लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करूंगा। वन रिक्वेस्ट, प्लीज लॉन्च वन कोर्स फॉर इसरो एंड बार्क। मैं थोड़ा जॉब नोटिफिकेशंस और ये चीजें फॉलो नहीं कर पाता हूं, आज से स्टार्ट कर सकता हूं। नीलाद्री मिस्त्री, बिल्कुल आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी भी 75% चीजें इसमें लाइव होनी बाकी हैं। जो चीजें हो चुकी हैं उनको आप बाद में रिकॉर्डेड कर लीजिएगा। सारे टेस्ट unmatchable.in पर अवेलेबल रहेंगे और ये प्रैक्टिस सेशंस जो हैं ये भी अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर। इजी था वो प्रॉब्लम? यस, इट वॉज ट्रैप। आई न्यू दैट पीपल विल ट्राई टू, क्योंकि फेस चेंज इन्वॉल्व है, पीपल विल ट्राई टू डू इट सिंपली एज P मल्टीप्लाइड बाई VG माइनस VF। मेरे को मालूम था दैट लोग क्या करेंगे। लोग बोलेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा पूरे प्रोसेस में, तो वर्क डन हो जाएगा P एंड VG माइनस VF। अब ये PdV वगैरह
ये पीडीवी वगैरह एप्लीकेबल हो ना हो, एक चीज जो हमेशा एप्लीकेबल है, एक चीज जो हमेशा एप्लीकेबल है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां पर ये पीडीवी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि पैडल व्हील से जब आप स्टरिंग करोगे तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो कोई स्टैटिकली परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था दैट देयर इज नो हीट इंटरैक्शन, सो सिंपली कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। अब मैंने यहां पे आपकी साइकोलॉजी से खेलने के लिए इंटरनल एनर्जी टेबल में नहीं दिया, एंथैल्पी दिया। तो एंथैल्पी से इंटरनल एनर्जी की इंफॉर्मेशन तक आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। एच जी इज इक्वल टू यू जी प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई वी जी, और एच एफ इज इक्वल टू यू एफ प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई वी एफ। ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा क्योंकि एच जी एच एफ भी गिवन है, वी जी वी एफ भी गिवन है और प्रेशर भी गिवन है। चलो एनीवेज, आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट विच मेड मी व्हाट आई एम टुडे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहला प्यार मैं कह सकता हूं इसको, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से धीरे 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 प्यार होना शुरू हुआ, और उस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। मैं आज आपको ये बता दूं, ये 5 दिनों का प्रोग्राम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का, और 5 दिनों के इस प्रोग्राम में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के प्रोग्राम में, डे वन हम लोग करने वाले हैं एक्सियल लोडिंग और टॉर्सनल लोडिंग, डे टू हम लोग करने वाले हैं शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, डे थ्री हम लोग करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और एनर्जी मैथड्स, डे फोर हम लोग करने वाले हैं कंबाइंड लोडिंग और प्रेशर वेसल्स, डे फाइव हम लोग करने वाले हैं कॉलम्स स्ट्रट्स और ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और मैंने देखा कि 5वें दिन के टॉपिक्स थोड़े छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्सिया को वहां शिफ्ट कर दिया है। द टॉपिक्स ऑफ 5th डे वेयर स्मॉलर वंस। हाँ, है आज मंगलवार लेकिन हमारे लिए ये सोमवार है। तो सोम क्या है? सोम है स्टडी ऑफ लोड्स एंड देयर इफेक्ट्स। वेरियस मशीन कॉम्पोनेंट्स एंड स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ लोडिंग, एंड ड्यू टू दैट लोड आई वॉन्ट टू कैलकुलेट सम इंटरनल फोर्सेस एंड आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द डिफॉर्मेशंस। बीटीडी रिमेनिंग टॉपिक। हाँ, आई टेक वन सेशन फॉर अवेलेबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी एंड थर्मोडाइनमिक रिलेशंस। यस, आई एम टोटली अवेयर। एक्चुअली आई वॉज ऑन द मूव एंड एक पूरा रात, पूरा मतलब आधा दिन और पूरा रात मैं ड्राइव किया, और उसके बाद कल तो आई वॉज लाइक। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स क्या है बच्चा? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है लोड और लोड के कारण आने वाले इंटर, लगता है कितना दिन हो गया है। नहीं, एक्सियल एंड टॉर्सनल। यस, टुडे एक्सियल एंड टॉर्सनल। चलो अब चैट, मैंने ऑफ कर दिया चैट, ठीक है? काश काश ऐसा होता कि चैट ऑफ कर सकते हम इसमें भी। लाइक कर दो सेशन गाइस। गणेश पाटिल जी, कोई तो है यार जो मेरी तरफ से बैटिंग करने के लिए कम से कम तैयार रहता है। बिल्कुल सही बात है, प्लीज सेशन को लाइक कर दें जितने भी लोग हैं। चलो, तो लोड, इसलिए लोड की जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोड की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चैट 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 ऑफ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो मैं बाद में देखूंगा। चार्जिंग कनेक्ट कर लो। अरे नहीं बाबा, चार्जिंग वो उसमें चार्जिंग लगातार हो रही है, उसकी चिंता मत करो, वो बीच बीच में पता नहीं क्यों पॉप अप होता रहता है। बिल्कुल चैट से बाहर आ जाएं। कम 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 आउट आउट ऑफ चैट। नाउ यू फोकस ऑन माई वर्ड्स एंड यू फोकस ऑन एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो लोड क्या है? लोड समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी, और वो ये कि किसी भी मेंबर के किसी भी सेक्शन के लिए आप एक
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप एक ट्रांसवर्स एक्सिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर एनी मेंबर फॉर एनी क्रॉस सेक्शन एनी सेक्शन ऑफ एनी मेंबर यू कैन आइडेंटिफाई लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एंड यू कैन आइडेंटिफाई ट्रांसवर्स एक्सिस और ये समझने के लिए लेट अस टेक टू एग्जांपल्स लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगुलर मेंबर दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ अ वर्टिकल मेंबर दैट इज हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सो दीज टू एग्जांपल्स वी आर टेकिंग हियर ध्यान से समझियो बहुत ध्यान से समझियो हाँ चैट चैट से बाहर आ जाए कम 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 आउट ऑफ चैट एवरीबडी प्लीज कम आउट ऑफ चैट नाउ यू कैन आइडेंटिफाई वन सेक्शन वन एक्सिस दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सेक्शन एंड देन यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द एक्सिस दैट विल बी अलॉन्ग द सेक्शन यू कैन आइडेंटिफाई द एक्सिस दैट विल बी अलॉन्ग द सेक्शन हियर ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई एन एक्सिस दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सेक्शन एंड यू कैन आइडेंटिफाई axis also that will be along the section. Along the section you can identify many axes, but perpendicular to section you can identify only one unique axis. Section ke along aap bahut sare axes identify kar sakte hain, but section ke perpendicular aap ek unique axis identify kar sakte hain. Jo kisi bhi area pe perpendicular hoga, us axis ko hum bolne wale hain longitudinal axis. जो भी एक्सिस एरिया पर परपेंडिकुलर होगा उसे हम बोलने वाले हैं longitudinal axis. जैसे horizontal member में x axis longitudinal है लेकिन vertical वाला member जो हमने देखा है उसमें y axis longitudinal है. In this vertical member y axis is longitudinal. Okay? And then of course we have transverse axis. So this is transverse axis. क्या बताया मैंने जो भी एक्सिस एरिया पे परपेंडिकुलर हो उसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं और जो भी एक्सिस एरिया के अलॉन्ग हो उसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं तो जैसे ये जेड वाला ये भी ट्रांसवर्स एक्सिस है दिस जेड एक्सिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सिस है दिस वन इज अगेन ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द सेक्शन यहां पर एक्स और जेड ये दोनों ही ट्रांसवर्स एक्सिस हैं. दिस वन इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड वंस अगेन दिस इज अगेन ट्रांसवर्स एक्सिस दिस जेड एक्सिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सिस खुद जो एक्सिस एरिया पे परपेंडिकुलर होगा उस एक्सिस को हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहने वाले हैं और जो एक्सिस एरिया के अलॉन्ग होगा उस एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहने वाले हैं अब जो भी फोर्सेस आप अप्लाई करने वाले हो जो भी मशीन कंपोनेंट्स में एप्लीकेशंस में फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं वो फोर्सेस या तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग होंगे या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे इफ इट इज अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और इट मे ऑल्सो बी अलॉन्ग द ट्रांसवर्स एक्सिस अगर वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग है तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं एक्सियल लोडिंग और अगर वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं शियर लोडिंग तो जो भी फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग है उसे हम बोलने वाले हैं एक्सियल लोड द फोर्स दैट इज अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दैट विल बी नोन एज फोर्स अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और जो भी फोर्स ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसे हम बोलने वाले हैं शियर लोड सो शियर लोड इज व्हाट शियर लोड इज अ फोर्स अलॉन्ग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑब्वियसली एक गिवन एरिया पर एक्सियल लोड एक यूनिक एक्सिस के अलॉन्ग ही डेवलप हो सकता है लेकिन शियर लोड एक गिवन एरिया पर कई डायरेक्शंस में डेवलप हो सकता है आगे जाके आप इसका कॉन्सिक्वेंस देखोगे कि सिग्मा सिर्फ एक गिवन प्लेन पर आप एक सिग्मा कंसिडर कर सकोगे सिग्मा एक्स
या फिर वाई प्लेन पर सिग्मा वाई या फिर जेड प्लेन पर सिग्मा जेड, लेकिन एक ही गिवन प्लेन पर टाउ के आपको दो कंपोनेंट्स मानने होंगे, जैसे टाउ एक्स प्लेन पर टाउ एक्स वाई भी और टाउ एक्स जेड भी, वाई प्लेन पर टाउ वाई एक्स भी रहेगा और टाउ वाई जेड भी रहेगा, जेड प्लेन पर टाउ जेड एक्स भी रहेगा और टाउ जेड वाई भी रहेगा। सो इट्स एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दैट यू विल हैव ओनली वन यूनिक वे इन विच सिग्मा कैन डेवलप। What is sigma? What is tau? We will discuss. And tau will have, in general, any given direction along the plane. So it will have to be considered with its two components. Okay? Similarly, my dear friends, a moment can also act either along the longitudinal axis or the moment can act along the transverse axis. You can have a moment acting along longitudinal axis and you can also have a moment acting along a transverse axis. And if the moment is going to act along longitudinal axis, we call it twisting moment. If the moment is going to act along the longitudinal axis, we call it twisting moment or torsional load. Okay? So उसे हम कहते हैं twisting moment or torsional load. और जो मोमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस के अलांग होगा, जो मोमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस के अलांग होगा, उस मोमेंट को हम कहने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट। फिर से आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है दैट एक गिवन सेक्शन की बेंडिंग जो है वो कई सारे प्लेन्स में हो सकती है, लेकिन ट्विस्टिंग जो है वो एक यूनिक पॉसिबल तरीका ही होगा। सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग, close your eyes and let us summarize all this. Close your eyes, please close your eyes, everybody close your eyes. Aankhe band, kisi bhi member, aankhe band. Observation number one, kisi bhi member ki wo axis jo given area par perpendicular ho, us axis ko hum kehte hain longitudinal axis. Aur agar ek axis area ke along ya tangential ya parallel hai, use hum kehte hain transverse axis. Observation number two, that अगर कोई लोड, कोई फोर्स रूपी लोड अगर longitudinal axis के along लग रहा है तो वो कहलाएगा axial load, अगर वो किसी transverse axis के along लग रहा है तो वो कहलाएगा shear load. Observation number three, that अगर moment longitudinal axis के along act कर रहा है तो हम उसे कहने वाले हैं twisting moment, और अगर moment transverse axis के along act कर रहा है तो हम उसे कहने वाले हैं bending moment. Observation number four, that किसी भी given section की longitudinal axis एक unique axis, एक possible axis हो सकती है, लेकिन transverse axis बहुत सारी possible हैं, और इसलिए axial load जो longitudinal axis के along लगता है या torsional load जो longitudinal axis के about act करता है, ये एक given area के लिए एक यूनिक पॉसिबल तरीके से ही एक्ट कर सकते हैं, लेकिन शियर और बेंडिंग ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग या ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट एक्ट करने वाले लोड हैं, और इसलिए ये एक ही गिवन एरिया के लिए वेरियस पॉसिबिलिटीज के साथ आ सकते हैं. आंखें बंद, क्लोज योर आइज. ऑब्जर्वेशन नंबर वन, एंड विजुअलाइज दीज पिक्चर्स मस्ट एमर्ज इन फ्रंट ऑफ योर eyes of mind. Observation number one, a given area, given section of a given member can have one axis which is perpendicular to the area, and you can also imagine number of possible axes along the area. The axis that is perpendicular to the area will be known as longitudinal axis, and the axis that is along the area, parallel the area, tangential the area, that will be known as transverse axis. Observation number two, if a force is going to act along the longitudinal axis, we call it axial load. If a force is going to act along the transverse axis, we call it shear load. Observation number three, if a moment acts along longitudinal axis, giving you the feeling of opening the cap of a bottle. जो twisting moment होगा वो आपको एक बॉटल के कैप को ओपन करने की फीलिंग देगा, ऐसा लगेगा जैसे आप एक
बॉटल के कैप को ओपन कर रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे आप एक बोल्ट या नट की लूजनिंग या टाइटनिंग कर रहे हो. सो द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट द मोमेंट दैट एक्ट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दैट इज नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट एंड द मोमेंट दैट एक्ट्स अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट. ऑब्जर्वेशन नंबर फोर, longitudinal axis for a given area is only one possible axis but there are many possible transverse axes. Now you can open your eyes, open your eyes and solve this one, open your eyes and solve this one. Due to force F acting at section D of the member shown in the figure, aankhein khole aur खुली आंखों से ये समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करें. ड्यू टू फोर्स एफ एक्टिंग एट सेक्शन डी ऑफ द मेंबर शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई करेक्ट नेचर ऑफ लोडिंग ऑन मेंबर्स ए बी एंड बी सी. पहला ऑप्शन कहता है ए बी में एक्सियल बेंडिंग और ट्विस्टिंग होगा. दूसरा ऑप्शन कहता है बी सी, पहला ऑप्शन कहता है बी सी मेंबर में शियर और ट्विस्टिंग होगा. दूसरा ऑप्शन कहता है ए बी में एक्सियल बेंडिंग और बीसी में शीयर ट्विस्टिंग और बेंडिंग. तीसरा ऑप्शन कहता है ए बी में सिर्फ एक्सियल और बेंडिंग और बीसी में शीयर और बेंडिंग. चौथा ऑप्शन कहता है ए बी में एक्सियल बेंडिंग ट्विस्टिंग और बीसी में शीयर बेंडिंग ट्विस्टिंग. पोल 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 पोल. ओके, सो आइडेंटिफाई पीपल, क्विकली आइडेंटिफाई क्या आपका क्या कहना है. और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, भगवान करें उन्हें कभी ना मिले रास्ते में कांटे, रास्ते में उन्हें कांटे कभी ना मिले. जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दो, नहीं तो मैं समझाने ही वाला नहीं हूं. वैसे लाइक कर दिया है ज्यादातर लोगों ने. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर आंसरिंग सी 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 सी. मैथ्स कब लॉन्च करेंगे? मैथ्स दिसंबर 10 के पहले पहले आ जाएगा. ओके, सम पीपल आर नाउ आंसरिंग बी. देखो दोस्त, जब आप बीसी बीसी मेंबर पर देखोगे तो बीसी मेंबर के लिए ये फोर्स एक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड है. फॉर द बीसी मेंबर इज हैविंग द सेक्शन लाइक दिस. एंड बीसी मेंबर के लिए ये फोर्स एरिया के अलॉन्ग है या एरिया के परपेंडिकुलर है, आप बता दो मुझे. बीसी मेंबर के लिए ये फोर्स बहुत क्लियरली एरिया के अलॉन्ग है. तो जब आप इस फोर्स को बीसी मेंबर पर ट्रांसफर करोगे तो आपको एक तो फोर्स खुद मिलने वाला है. जब बीसी मेंबर के ये सी सेक्शन पर आप ट्रांसफर करोगे फोर्स को, तो एक तो ये फोर्स मिलने वाला है अलॉन्ग, और दूसरा एफ इंटू एल आप बहुत क्लियरली देख पाओगे. एफ इंटू एल बहुत क्लियरली देख पाओगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक मोमेंट है. एफ इंटू एल इज अ मोमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस. सो ट्राई ऑब्जर्विंग, बिकॉज अनलेस यू विल बी एबल टू विजुअलाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. सो एक इसको जब आप ट्रांसफर करोगे सी सेक्शन पे, तो एक तो एफ मिलेगा और दूसरा एफ इंटू एल. और ये एफ इंटू एल बताएंगे सभी लोग, राइट हैंड थंब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ. ड्यू टू दिस एफ इंटू एल, राइट हैंड थंब इज विजिबल गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई डायरेक्शन और इट इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, एग्जैक्टली. तो ये जो मोमेंट है ये बहुत क्लियरली वाई एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट है. और इसलिए बीसी सेगमेंट पर एक बात तो बहुत क्लियर है, दैट बीसी सेगमेंट पर हमारे पास ट्विस्टिंग आ चुकी है. अब वो एफ फर्दर क्या कर रहा है? बीसी सेगमेंट पर ट्विस्टिंग तो आ चुकी है, क्योंकि एफ इंटू एल अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे बीसी सेगमेंट एक बोल्ट हो और सीडी सेगमेंट एक रेंच हो, और रेंच के एंड पर आप फोर्स लगाकर बीसी वाले बोल्ट को घुमा रहे हो. इट सीम्स एज इफ बीसी मेंबर इज लाइक अ वर्टिकल बोल्ट एंड सीडी इज लाइक अ रेंच एंड एट द एंड ऑफ द रेंच यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड द इफेक्ट इज लाइक लूजनिंग और टाइटनिंग दैट
BC bolts. Okay. So one thing is very clear that BC member is having twisting. BC member is having twisting. Option A may be hai. BC member is having twisting. Option B may be hai. BC member is having twisting. Option C mein nahi hai. And BC member is having twisting. Option D mein hai. So ya to pehla, dusra ya chautha correct hai. Ab F further kya kar raha hai? What exactly F is doing further? F is further doing what? F is further. First of all, it is acting along the section. First of all, it is acting along the section. And along the section act karne ke karan, ye ek transverse load ya shear load hoga. Because of acting along the section, it is a transverse load or shear load. And agar aap visualize karne ki koshish karo, yahan fix karke. यहां इसको फिक्स कर दो और विजुअलाइज करने की कोशिश करो तो F मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल वाला L ये फ्रंट की तरफ उसको एक कॉलम के जैसे क्लॉकवाइज बेंड करने की कोशिश कर रहा है. F मल्टीप्लाइड बाय दिस Y डायरेक्शन इज फर्दर कॉजिंग सम बेंडिंग. तो BC सेगमेंट इज एक्सपीरियंसिंग नॉट ओनली ट्विस्टिंग बट ऑल्सो शेयर एंड बेंडिंग. BC सेगमेंट पर हमें क्या क्या मिला है बच्चे? BC सेगमेंट पर हमें सबसे पहले तो ट्विस्टिंग मिल गया. BC सेगमेंट वी हैव गॉट ट्विस्टिंग एंड अपार्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग वी हैव गॉट शियर एंड अपार्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग एंड शियर वी आल्सो गॉट बेंडिंग. शियर ट्विस्टिंग और बेंडिंग सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में है. दैट मीन्स या तो सेकेंड करेक्ट है या फोर्थ करेक्ट है. अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट है? ए बी सेगमेंट के लिए ये फोर्स, ए बी सेगमेंट के लिए ये फोर्स एक एक्सियल लोड है और एक्सियल लोड कितना भी इसेंट्रिक हो, ध्यान रखना कभी ट्विस्टिंग नहीं कर सकता. ए बी सेगमेंट के लिए अगर आप उस फोर्स को देखें, फॉर ए बी सेगमेंट इफ यू सी दैट फोर्स, द वे दैट फोर्स इज एक्टिंग, अगर आप उसको ए बी सेगमेंट पर लाकर लगाएं, इफ यू टेक इट अप टू द ए बी सेगमेंट, देन इट्स वेरी क्लियर. जो सेम डायग्राम को मैकेनिक्स में आपको टेस्ट में दे और सेम डायग्राम को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस सेशन में दे, वो अनमैचेबल. अगर आपको याद हो मैकेनिक्स का टेस्ट अगर आपने दिया है, अच्छा जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है या टेस्ट में एनरोल्ड नहीं है, मेक श्योर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा. और ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक तपस्या है, 45 दिनों की तपस्या जो आप मेरे साथ करने वाले हैं और मैं आपके साथ करने वाला हूं. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट लाइक अ टेस्ट सीरीज. ओके, इसको प्लीज डू नॉट confuse it like a test series. It's not just a test series. It's a practice course plus test series plus tapasya. तो ये तीन चीजों का blend है ये. And 50 दिन तक मैं आपके साथ दिन रात एक करने को तैयार हूं, दिन रात एक करने को. तो F यहां पर आप transfer करोगे तो आप notice करो आपको दो moment दिखाई पड़ रहे हैं. Notice that जब आप F को B पर ट्रांसफर करोगे तो आपको दो मोमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं. एक मोमेंट दिखाई पड़ रहा है एफ मल्टीप्लाइड बाय सीडी का लेंथ, एफ मल्टीप्लाइड बाय सीडी मेंबर का लेंथ, और एक मोमेंट दिखाई पड़ रहा है एफ को एबी के सेम वर्टिकल लेवल में नहीं है. एफ एबी से एक वर्टिकल गैप पर है और उसके कारण एक एफ मल्टीप्लाइड बाय बीसी लेंथ ऐसा भी मोमेंट नजर आएगा आपको. वन मोमेंट यू विल बी एबल टू सी एफ मल्टीप्लाइड बाय बीसी. तो दोस्त एबी सेगमेंट में वो एफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलांग लगने के कारण वो ना तो शियर है ना ट्विस्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ एक एक्सियल लोड है. इन द एबी सेगमेंट दैट फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ लॉन्गिट्यूडिनल लोड, सो इट्स ओनली एन एक्सियल लोड. बट बेंडिंग इट इज कॉजिंग अलॉन्ग टू प्लेन्स. Some bending it is causing in horizontal plane and some bending it is causing in vertical plane.
कुछ बेंडिंग वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कॉज कर रहा है और कुछ बेंडिंग वो वर्टिकल प्लेन में कॉज कर रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बेंडिंग है वो f मल्टीप्लाइड बाई सी डी डिस्टेंस से मिलेगा, और वर्टिकल प्लेन में जो बेंडिंग है वो f मल्टीप्लाइड बाई bc सेगमेंट में मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बेंडिंग है वो टॉप से देखने पर क्लॉकवाइज दिखेगा f इंटू bc, और उसके कारण ad मेंबर आपकी तरफ बेंड होता हुआ दिखेगा। और वर्टिकल प्लेन में जो बेंडिंग है वो फ्रंट से देखने पर क्लॉकवाइज दिखेगा, उसके कारण ab मेंबर नीचे की तरफ बेंड होता हुआ दिखेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया। आंसर है, करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन। चलो जी, नाउ लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। आज के डिस्कशन का पहला पार्ट, मेरा तो मिस हो गया, क्या करूं, क्या मिस हो गया? आउट ऑफ 89 मेरा 89 रैंक है, कोई बात नहीं, धीरे 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 इंप्रूव होता रहेगा, डोंट वरी। टेस्ट के मार्क्स पर इतना फोकस मत करें, टेस्ट और प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करने के लिए है। अगर आप बहुत एक्सपेक्टेशन के बर्डन अपने ऊपर डालेंगे, सर एफ इंटू सी डी एफ एल की वजह से आया क्या? हाँ, वही एफ एल। आप वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, इसमें अगर फर्दर ट्रांसफर करते तो एक तो ये एफ एल आता ही आता, यहां पर ये एफ एल तो आता ही आता, दैट एफ इंटू सी डी जो यहां पर दिख रहा है, और फर्दर ये एफ को ट्रांसफर करते तो एफ भी आता और एफ इंटू वर्टिकल प्लेन में बेंडिंग आता। तो आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप, और अदरवाइज यू कैन स्ट्रेट अवे यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम एंड पॉइंट टू पॉइंट बी। दिल्ली से भोपाल आप सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज के डिस्कशन का सबसे पहला पार्ट, आज का डिस्कशन होना है चार पार्ट्स में, और उसमें सबसे पहला पार्ट है एक्सियल लोडिंग के कारण डेवलप होने वाले लोड और स्ट्रेसेस। दैट्स व्हाट द फंडा इज, व्हेन यू डोंट फोकस ऑन मार्क्स देन मार्क्स विल कीप कमिंग। एग्जैक्टली, मार्क्स विल कम ओनली व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट मार्क्स। अगर आप मार्क्स के बारे में सोच सोच के पागल होते रहोगे ना, आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली लाइक आ क्रिकेट मैच, जैसे कोई जब बहुत बड़े मैच का हिस्सा बनने जा रहा होता है तो अगर वो इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देगा, कभी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कभी अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाएगा। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मार्क्स, गो एंड गिव योर दी बेस्ट। आप 40 मिनट के पेपर में अगर 5 क्वेश्चन टारगेट करोगे तो 5 तो सॉल्व कर लोगे ना यार, 4 तो सॉल्व कर लोगे ना, और 4 सॉल्व कर लिए तो आप 6-7 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। और मेरे टेस्ट में 6-7 मार्क्स तक पहुंच जाना आउट ऑफ 18 मतलब आप टॉप 20 में आ गए, और फिर धीरे धीरे 1 मार्क 2 मार्क्स 1 मार्क 2 मार्क्स इंप्रूव करते रहो। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज एक्सियल लोडिंग में लोड और स्ट्रेस की कहानी। इन द एक्सियल लोडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस लोड, द स्टोरी ऑफ लोड, स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशंस। एक्सियल लोडिंग क्या है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज एक्सियल लोडिंग, व्हाट इज एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग इज लॉन्गिट्यूडिनल। अब कमेंट से बाहर आ जाओ, कमेंट से बाहर आ जाओ, और फोकस योरसेल्फ हियर, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, कमेंट सेक्शन से बाहर आ जाएं और पूरी तरह से अपने आप को फोकस करें। एक्सियल लोडिंग है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलांग लगने वाला एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स। सबसे पहली बात, एक्सियल लोडिंग है क्या? एक्सियल लोडिंग है, when you talk about axial loading, load exactly है क्या? Load है equal and opposite force along longitudinal axis, equal and opposite force along longitudinal axis. Second thing,
जब आप कहते हो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो फ्रैंकली स्पीकिंग दो पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती हैं। व्हेन यू से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देन टू पॉसिबिलिटीज इमर्ज। वन पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस। एंड क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती हैं इसलिए लोगों ने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कहना शुरू कर दिया। एंड बिलीव मी गाइस, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर पॉजिटिव लोडिंग है तो मटेरियल कुछ यू नो गुडी गुडी फील करेगा, और नेगेटिव लोडिंग है तो मटेरियल बहुत लो फील करेगा, डीमोटिवेटेड फील करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कन्वेंशन है दैट क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं बेटर होगा कि एक को हम प्लस बोल दें और एक को हम माइनस बोल दें। तीसरी बात दैट किसी भी सेक्शन पर एक्सियल लोड आप कैलकुलेट कैसे करने वाले हो, किसी भी सेक्शन पर आप एक्सियल लोड कैलकुलेट कैसे करोगे, कैसे करने वाले हो एक्सियल लोड किसी भी सेक्शन पर कैलकुलेट। आइदर साइड इज द कंसेप्ट, एक तरफ से आने वाले सारे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम, एक तरफ से आने वाले सारे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम। तो ऑब्जर्वेशन नंबर वन, एक्सियल लोड है क्या? एक्सियल लोड है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ऑब्जर्वेशन नंबर टू, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग लोड के एक्ट करने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक को हमने पॉजिटिव कह दिया, एक को हमने नेगेटिव कह दिया, टेंसाइल को हमने पॉजिटिव कह दिया, कॉम्प्रेसिव को हमने नेगेटिव कह दिया। तीसरी बात, किसी भी सेक्शन पर आप लोड कैलकुलेट कैसे करने वाले हो, लोड कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सेक्शन पर आपको लोड कैलकुलेट करना हो, आप किसी भी एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करने वाले हो। अब बात करते हैं कि ठीक है एक्सियल लोड तो पता चल गया हमें, अब इस एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसका क्या? ओके, वी नाउ नो व्हाट इज एक्सियल लोडिंग, बट आइदर साइड इज द कंसेप्ट। एग्जैक्टली, एक तरफ से आने वाले सारे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस का एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम क्या होता है सर? एलजेब्रिक सम होता है कि आप टेंसाइल को पॉजिटिव और कॉम्प्रेसिव को नेगेटिव लेते हुए ट्रीट करें। व्हाट इज एलजेब्रिक सम? एलजेब्रिक सम इज दैट यू कीप टेकिंग टेंसाइल एज पॉजिटिव एंड कॉम्प्रेसिव एज नेगेटिव। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में इन जनरल हमें चार बातें जाननी होंगी। स्ट्रेस के बारे में इन जनरल हमें चार बातें जाननी होंगी। पहली बात, स्ट्रेस का नेचर क्या है। दूसरी बात, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तीसरी बात, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या है। और चौथी बात, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हम चाहे फिर एक्सियल लोडिंग की बात करें या फिर टॉर्सनल लोडिंग की बात करें या फिर बेंडिंग की बात करें या फिर शियर की बात करें, एवरी सिंगल टाइम वी विल हैव टू आंसर दीज फोर क्वेश्चंस। वन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनल फोर्सेस। टू, हाउ द इंटरनल फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर एरिया। थ्री, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, हाउ डू यू डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। फोर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दोज इंटरनल फोर्सेस। सो यस, आई एम गोइंग टू हैव फर्स्ट थिंग दैट ड्यू टू एक्सियल लोडिंग व्हाट नेचर ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल डेवलप, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड थिंग व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, एंड फोर्थ थिंग व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। एक्सियल लोडिंग का जहां तक सवाल है, कहानी बहुत सिंपल है, प्रॉब्ली इसीलिए पहला चैप्टर है ये, क्योंकि चारों लोड जो आप पढ़ने वाले हो, एक्सियल, टॉर्सनल, शियर और बेंडिंग, उसमें सबसे सिंपल है एक्सियल, और इसीलिए सबसे पहला चैप्टर भी है, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है शियर की स्ट्रेसेस के बारे में एनालिसिस करना, इसीलिए सबसे आखिरी में शियर के स्ट्रेसेस की एनालिसिस होगी। आज हम एक्सियल और टॉर्सनल करने वाले हैं। जब आप एक्सियली लोडेड मेंबर को देखते हो तो बहुत क्लियर है कि किसी भी गिवन सेक्शन पर, एट एनी गिवन सेक्शन हेयर, कोई भी एक सेक्शन आप चूज कर लो, आपकी मर्जी है आप कैसा, कोई भी सेक्शन, एक बीच में कोई भी एक सेक्शन इमेजिन करो आप, इमेजिन एनी वन सेक्शन एंड जस्ट
focus yourself on either side is the concept. अब जाहिर सी बात है इस सेक्शन के लेफ्ट में एक मॉलिक्यूल होगा, लेट्स से दैट मॉलिक्यूल इज अल्फा, एंड राइट में एक मॉलिक्यूल होगा बीटा, लेट्स से दैट मॉलिक्यूल इज बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा आर बॉन्डेड टुगेदर. अल्फा और बीटा दोनों में एक दूसरे में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है. अल्फा और बीटा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है. ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिल्कुल स्प्रिंग फोर्सेस की तरह होती है, दैट अल्फा और बीटा एक सर्टेन गैप पर ही रहना पसंद करेंगे. इसका डीप बैकग्राउंड जो है वो अगेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में है, कि मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन डिस्टेंस पर वो रहेंगे तभी मिनिमाइज होगी और तभी वो स्टेबल रहेंगे. मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट वन सर्टेन गैप, एंड वंस दे विल मेंटेन दैट सर्टेन गैप ओनली एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट अ गिवन थर्मोडायनेमिक स्टेट, देन ओनली दे विल रिमेन स्टेबल. आप उससे कम करने की कोशिश किए तब भी ये बुरा मानेंगे, आप उससे ज्यादा करने की कोशिश किए तब भी ये बुरा मानेंगे. अल्फा और बीटा दोनों एक फिक्स गैप पर रहना चाहेंगे. आप जाहिर सी बात है अल्फा को बीटा से दूर ले जाना चाहते हो, और जब आप अल्फा को बीटा से दूर ले जाने की कोशिश करते हो तो बीटा आपको कहने वाला है डियर मिस्टर पी, औकात में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. डियर मिस्टर पी, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. और इसलिए जब ये एक्सटर्नल लोड अल्फा को बीटा से अलग करने की कोशिश करता है तो बीटा कहता है डियर मिस्टर अल्फा डोंट वरी आई एम हेयर जब तक है जान, जब तक है जान आई एम हेयर. ओके सो गाइस यू आर गोइंग टू हैव इस तरह से, क्योंकि अल्फा को आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो बीटा से, बीटा उसे वापस लाने की कोशिश करेगा, बीटा उसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, और रिस्टोर करने की इस कोशिश में, रजिस्ट करने की इस कोशिश में एक फोर्स डेवलप करेगा वो, और ये फोर्स बहुत क्लियरली सेक्शन पे परपेंडिकुलर है. सेक्शन पे परपेंडिकुलर होने के कारण वी कॉन्क्लूड दैट एक्सियल लोडिंग के कारण एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, एक्सियल लोडिंग के कारण एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा. अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट एक्चुअली तो एक अल्फा बीटा 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 सेक्शन पे ऐसे इनफाइनाइट अल्फा बीटा के पेयर्स हैं, और हर बीटा अपने अपने अल्फा को होल्ड करके रखेगा कि भाई नहीं ये दोस्ती. तो अल्फा और बीटा जो पार्टनर है वो पार्टनर, सारे पार्टनर पूरे सेक्शन पे जितने भी पार्टनर हैं वो सब एक दूसरे को होल्ड करके रखने वाले हैं. और इसका मतलब ये इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं, यहां भी डेवलप होने वाला है, यहां भी डेवलप होने वाला है, यहां भी डेवलप होने वाला है, यहां भी डेवलप होने वाला है. सेंट वेनेंट साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आज के 400 साल पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आज के 300-400 साल पहले ये एस्टैब्लिश किया कि अगर आपका एक्सियल लोड सेंट्रोइड से पास हो रहा है तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. किसी भी एक गिवन सेक्शन पर सिग्मा की वैल्यू टॉप से लेकर बॉटम तक, फ्रंट से लेकर रियर तक एक जैसी होने वाली है, वन यूनिफॉर्म वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल दैट इफ यू आर कंसिडरिंग दिस मच, ए से लेकर एक्स तक का लेंथ, if you are considering the length that is covered between a to x, then due to the loading that you are applying according to Saint Venant's principle, we are going to have exactly the same value of stress no matter where we are going to look at. aap kahin bhi dekhne wale ho, yahan dekhoge ya fir yahan dekhoge ya fir yahan dekhoge ya fir yahan dekhoge ya fir yahan dekhoge या फिर उधर बैक साइड जाकर देख लो, 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 और सारी वैल्यूज इक्वल रहने वाली हैं. यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू. हाँ,
सेंट वेनेंट साहब ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जहां आप लोड लगाते हैं उसके एग्जैक्टली नेबरहुड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप जब जहां पर लोड लगाते हैं, अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड आपने अप्लाई किया है, तो एकदम पास वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो मिडिल में ज्यादा स्ट्रेसेस दिखेंगी और एंड पे कम स्ट्रेसेस दिखेंगी। लेकिन अगर आप एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस के बाद देखेंगे किसी भी सेक्शन पर, तो आपको एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखने वाला है। इफ यू सी एट डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 3 टाइम्स डायमीटर, अगर आप ऐसी डिस्टेंस पर जाएं जो डायमीटर के 3 गुना से ज्यादा हो, विच इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द मेंबर, देन आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेस मिलने वाला है। ये है, ये कहलाता है सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल। ओके, एंड नाउ वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड्स। व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। जब हम स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड की, हाय सर, ग्रेट फैन, बैच 2020, विपुल, क्या ही तो बात है, ग्रेट टू सी यू। ऐसे बीच बीच में कोई पुराना स्टूडेंट, पुराना छात्र आ जाता है और सेशन में रौनक आ जाती है। बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट ओनली रिमेंबर द नेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज फील सुपर एक्साइटेड टू कनेक्ट बैक टू देम। कीप रॉकिंग, माई बेस्ट विशेस आर देयर विद यू, वेर एवर यू गो, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग। एग्जैक्टली, ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने पर्सनल गाइडेंस में ही रखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, और जो भी कनेक्ट होना चाहा मैंने कभी रिफ्यूज नहीं किया, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं बाई नेम जानता रहता हूँ जिन्होंने इंटरेक्ट किया। आप जो पढ़ के चले जाएं, कभी इंटरेक्ट ना करें, वो अलग बात है। तो मैग्नीट्यूड की जब भी आप बात करोगे तो आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, यू ऑलवेज टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम कहता है दैट जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, उतना इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इस सेक्शन पे डेवलप हो जाना चाहिए। कितना एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, पी, और इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम मींस ऑल द फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। सो हाउ मच फोर्स डिड यू अप्लाई? यू अप्लाई पी। एंड इंटरनल फोर्स कितना है? इंटरनल फोर्स है स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया। ये ध्यान रखना, सेंट वेनेंट साहब की कृपा है इसलिए आप सीधे सीधे सिग्मा इंटू ए कर सके, नहीं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ता कि यूनिट एरिया पर। सेंट वेनेंट साहब की कृपा है इसलिए आप सीधे सीधे सिग्मा इंटू ए कर सके, अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ता कि यूनिट एरिया पर इंटरनल फोर्स सिग्मा है तो डी ए एरिया पर इंटरनल फोर्स सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई डी ए होगा, और टोटल एरिया पर इंटरनल फोर्स, टोटल एरिया पर इंटरनल फोर्स होगा इंटीग्रल सिग्मा डी ए। ओके, ये अलग बात है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण सिग्मा बाहर हो जाता है और इंटीग्रल डी ए सिंपली बन गया ए। इंटीग्रल डी ए सिंपली बिकम्स ए। तो अदरवाइज मान लो कभी आपको दे दिया जाए, कुछ एग्जामिनर का मूड ही कर जाए कि आपको सिग्मा ऐसे वेरी करते हुए दे दिया जाए, जैसा मैंने यहां पर इस वाले सेक्शन पर दिखाया है, ये वाले सेक्शन पर, तो आप ये फंडा प्लीज याद रखना, डू रिमेंबर दिस फंडा। इस तरह से आपने टोटल इंटरनल फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स को कंपेयर कर दिया, एंड यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड्स। आंखें बंद करें और मेरे साथ विजुअलाइज करें इस पेज पर जितना भी हमने डिस्कस किया है। क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज विद मी एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑन दिस पेज। क्लोज योर आईज। सबसे पहली बात, लोड्स, एक्सियल लोड्स, आंखें बंद करो। एक्सियल लोड्स, अब इमेजिन करो सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता हुआ एक लोड, या तो टेंसाइल नेचर का या कॉम्प्रेसिव नेचर का, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग इक्वल और ऑपोजिट फोर्स। ऑब्जर्वेशन नंबर टू, दैट क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक फोर्सेस बाहर जाते हुए दिखेंगे, दूसरा फोर्सेस एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखेंगे, इसलिए एक को हमने पॉजिटिव कहना शुरू कर दिया, एक को हमने नेगेटिव कहना शुरू कर दिया। ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री,
किसी भी सेक्शन पर आप एक्सियल लोड की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे। सर तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। भाई साहब बचपन से बाहर आप आ गए, लेकिन आपसे बाहर बचपन नहीं गया, आप बचपन को भी आपसे बाहर निकालिए। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, बचपन को कभी खुद से बाहर नहीं निकालना चाहिए। एनीवेज सो क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, हाउ डू यू कैलकुलेट आइदर साइड इज द कंसेप्ट। एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम। स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस में पहला ऑब्जर्वेशन दैट एक्सियल लोडिंग के वजह से, एक्सियल लोडिंग के कारण एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन दैट एक्सियल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या ये अजम्पशन है या रियलिटी? सच्चाई ये है कि ये रियलिटी नहीं है। अगर आप जिस सेक्शन पर लोड एक्ट कर रहा है उसके एकदम तुरंत बाजू वाले सेक्शन में देखेंगे तो ये रियलिटी नहीं है। एक लिमिट के बाद जाकर देखेंगे तो धीरे धीरे आपको सारे सेक्शंस पर यूनिफॉर्म स्ट्रेस मिलता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे सेक्शंस पर एक जैसी होगी वैल्यू। यूनिफॉर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि एक गिवन सेक्शन पर टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी पॉइंट्स हैं सब की वैल्यू इक्वल होगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, मैग्नीट्यूड हमें इक्विलिब्रियम से मिला, टोटल लोड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। किसी भी सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर क्योंकि इक्वल वैल्यू है इसलिए हमें बादर ही नहीं करना है कि किस सेक्शन के किस पॉइंट पर हम इंटरेस्टेड हैं। सेक्शन के किसी एक पॉइंट पर भी आपने स्ट्रेस कैलकुलेट कर ली तो सेक्शन के सारे पॉइंट्स पर आपको मिल जाएगी। और पी है उस सेक्शन का एक्सियल लोड, ए है उस सेक्शन का एरिया। लोड ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, दैट सिंस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन फोर्सेस going away from each other, another possibility forces going towards each other, we started calling one as positive loading, another as negative loading. Observation number 3 regarding load, how do you calculate the load value at a given section? At a given section, you just focus on any one side, left or right, up or down, ek taraf se aane wale sare forces ka algebraic sum. And after that, stress. For stress, we have again 3 simple observations. Number 1, that due to axial loading, normal stress will develop. Number 2, due to axial loading, developing normal stress will have same value across all the points of one given area. Uniform distribution. And this is a result of experiments conducted by Saint Venant. Okay, Saint Venant established the fact that due to axial loading, stress will have uniform distribution. Third observation, how do you calculate it? You calculate it as P by A. And P by A is the value at what point of a given area? It is the value at any point of a given area. Because at all points of a given area, anyways, the value is same. This will not be the case in torsional and bending. Aankhe khol le. Torsional or bending mein aisa nahi hoga कि एक गिवन एरिया के सारे पॉइंट्स पर आपको एक झटके में वैल्यू मिल जाए। इन टॉर्सनल लोड एंड इन बेंडिंग लोड दिस विल नॉट हैपन दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ वन गिवन एरिया। लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक स्टेप बार है, सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एक्सियल लोड्स। परमिसिबल स्ट्रेस स्टील के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए गिवन है 200 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल एंड 140 मेगापास्कल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी दैट कैन बी यूज्ड इज व्हाट? पी की कितनी मैक्सिमम वैल्यू यूज हो सकती है ये हमें बताना है। परमिसिबल वैल्यूज हैं 200 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल और 140 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल है एल्युमिनियम के लिए, 140 मेगापास्कल कॉपर के लिए और स्टील के लिए 200 मेगापास्कल। थैंक यू सो मच सर राघवेंद्र, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज let us go ahead and start doing it. Let me just write the values first. Permissible stresses given hai. Steel ke liye aapko bola gaya hai ki steel maximum 200 megapascal sustain kar sakta hai. 200 megapascal se jyada sustain nahi kar sakta. Copper ke liye aapko bola gaya hai ki copper
मैक्सिमम 140 मेगापास्कल सस्टेन कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। और एल्युमिनियम के लिए आपको बोला गया है कि एल्युमिनियम मैक्सिमम 100 मेगापास्कल सस्टेन कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। एल्युमिनियम कैन सस्टेन 100 मेगापास्कल, कॉपर कैन सस्टेन 140 मेगापास्कल एंड स्टील कैन सस्टेन 200 मेगापास्कल। अब हम एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उन्हें इनसे कंपेयर करेंगे। एल्यूमिनियम के लिए लोड है आइदर साइट इज द कंसेप्ट। एल्यूमिनियम पे एक्चुअल लोड कितना है बेटा? एक्चुअल लोड है 2P और टेंसाइल। एक्चुअल लोड इज 2P एंड टेंसाइल, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 200। लेकिन ये जो एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप हो रही है ये परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। हे मच्छर जी, यह टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, कृपया आप पधारें यहां से। तो यहां से आपको मिलेगा, अगर आप एल्युमिनियम की बात करें, आपको मिलेगा कि लोड 20 किलो न्यूटन से कम अप्लाई करना होगा। यू विल हैव टू अप्लाई ए लोड लेस देन 20 किलो न्यूटन। हाँ, समझ रहा हूं मैं कि पहला प्रॉब्लम एकदम चाप दिया आप लोगों ने तुरंत। आई टोटली अंडरस्टैंड। कॉपर आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट। कॉपर पे कितना लोड है टोटल? व्हाट इज द टोटल लोड ऑन द कॉपर? आइदर साइड इज द कंसेप्ट। एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम। तो कॉपर पर एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस क्या क्या हैं? कॉपर पर एक तरफ से आने वाला फोर्स है, एक तो 3P भी टेंसाइल है और 2P भी टेंसाइल है। 3P एंड 2P बोथ आर टेंसाइल। ओके, सो ऑन कॉपर एनी सेक्शन ऑफ कॉपर यू हैव 5P एक्टिंग। ऑन एनी सेक्शन ऑफ कॉपर यू हैव हाउ मच एक्टिंग? ऑन एनी सेक्शन ऑफ कॉपर यू हैव द लोड एक्टिंग दैट इज 5P एंड 5P डिवाइडेड बाई व्हाट इज द एरिया गिवन? एरिया गिवन फॉर कॉपर इज 300 मिलीमीटर स्क्वायर एंड परमिसिबल वैल्यू गिवन है आपको 140 मेगापास्कल। तो कॉपर के हिसाब से पी की वैल्यू 8.4 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकती। एल्युमिनियम के लिए परमिसिबल 100 है। ओके, यस, एल्युमिनियम के लिए परमिसिबल 100 है एंड देयरफॉर एल्युमिनियम के हिसाब से देखें तो 10 किलो न्यूटन से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू एल्युमिनियम वी कैन नॉट अप्लाई मोर देन 10 किलो न्यूटन। नाउ फॉर स्टील, स्टील वंस अगेन आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट। क्या ही तो बात है। हाँ, तो स्टील पर क्या है सारा सारा अलजेब्रिक सम? स्टील पर पी कॉम्प्रेसिव है, 3P टेंसाइल है और 2P टेंसाइल है। ऑन द स्टील पी इज एक्टिंग लाइक अ कॉम्प्रेसिव लोड एंड देन 3P इज एक्टिंग लाइक अ टेंसाइल लोड एंड 2P इज एक्टिंग लाइक अ टेंसाइल लोड्स। सो स्टील पर एक है हमारे पास पी कॉम्प्रेसिव, दूसरा है हमारे पास 3P टेंसाइल, तीसरा है हमारे पास 2P टेंसाइल और उसके बाद टोटल एरिया इज 400। लेकिन स्टील के लिए परमिसिबल वैल्यू, स्टील के लिए परमिसिबल वैल्यू है 200। ये है एक्चुअल लोड, एक्चुअल स्ट्रेस, जिसे हमने परमिसिबल से कंपेयर कर दिया। तो इसे आप परमिसिबल से कंपेयर करोगे, यहां से मिलेगा पी लेस देन 20 किलो न्यूटन। अब स्टील कहता है 20 किलो न्यूटन या उससे कम आप अप्लाई करें, पी की वैल्यू 20 से ज्यादा मत लेना। एल्युमिनियम कहता है कि 10 तक जा सकते हो, 10 के बियॉन्ड मत जाना। कॉपर कहता है कि बेटा अगर 8.4 किलो न्यूटन के ऊपर गए तो फिर स्टील और कॉपर से ही काम चला लेना, स्टील और एल्युमिनियम से ही काम चला लेना, फिर मैं नहीं टिकने वाला इधर, मैं झुकेगा। ठीक है, कॉपर सेज दैट आई एम नॉट गोइंग टू सस्टेन बियॉन्ड 8.4 किलो न्यूटन। तो भले ही क्वेश्चन में बोला हो मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई कर सकते, मैक्सिमम आप 8.4 अप्लाई कर सकते। मैक्सिमम का मतलब ये मत समझ लेना कि तीनों में ग्रेटर वैल्यू, मैक्सिमम का मतलब लिमिट कितनी है, कितना अधिकतम आप जा सकते हो, कितना
ज्यादा से ज्यादा कितना लोड अप्लाई कर सकते हो. सो एल्यूमिनियम इज अलाउिंग यू, एल्यूमिनियम इज अलाउिंग यू 10 kN. अगर मैं एक रेफरेंस बना दूं, और एल्यूमिनियम इज अलाउिंग यू 10 kN, स्टील इज अलाउिंग यू 20 kN, बट कॉपर इज अलाउिंग यू ऑनली 8.4 kN. स्टील कहता है कि 20 के नीचे रहो, स्टील कहता है 20 के नीचे रहो, एल्यूमिनियम कहता है 10 के नीचे रहो, और फाइनली कॉपर कहता है 8.4 के नीचे रहो. 8.4 के नीचे रहोगे तो सब सेफ रहेंगे. इफ यू रिमेन बिलो 8.4, नेचुरली ऑल ऑफ देम विल रिमेन सेफ. सो द सेफेस्ट वैल्यू इज, द सेफेस्ट मैक्स लोड इज 8.4 kN. चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज सपोर्टिंग इट्स ओन वेट एज शोन. इफ द टोटल वेट इज W, स्ट्रेस एट मिड सेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट वुड बी. ये टोटल लेंथ गिवन है आपको, एंड टोटल लेंथ है L. दिस टोटल लेंथ इज गिवन टू यू एंड टोटल लेंथ वैल्यू इज L. बाय द वे, यहां पर रेडियस है R, और यहां तक आते आते रेडियस हो जाती है 2R. तो एक फ्रस्टम ऑफ कोन है, एंड ये फ्रस्टम ऑफ कोन अपना खुद का वेट सपोर्ट कर रहा है अपने खुद के सेल्फ वेट के कारण. आपको बताना है मिडिल सेक्शन पर इसके सेल्फ वेट के कारण क्या स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी. एट द मिडिल सेक्शन व्हाट विल बी द स्ट्रेस डेवलपिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट. वंस अगेन, आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट. ध्यान से समझियो, आइदर साइड इज द कंसेप्ट. ये है R और यहां पे रेडियस है 2R, तो नेचुरली मिड पर रेडियस हो जाएगी, क्योंकि लीनियर, लीनियर का मिड हमेशा एवरेज होता है, लीनियर का मिड हमेशा एवरेज होता है. इसलिए मिड पर अगर आप देखने वाले हो तो रेडियस वैल्यू होगी R और 2R का एवरेज, दैट इज 1.5R. R और 2R का एवरेज दैट इज 1.5R. ध्यान से समझियो. नाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है. यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. बहुत ध्यान से समझियो. सो ये पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है. यहां पर क्या होगी स्ट्रेस, यहां पर बेटा, यहां पर स्ट्रेस होगी उसके एक तरफ से आने वाले, उसके एक तरफ से आने वाले सारे छोटे 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 वेट फोर्सेस का सम. उसके एक तरफ से आने वाले सारे छोटे 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 वेट फोर्सेस का सम. कुल मिलाकर अगर इसको हम 2D में बनाएं तो 2D में ये ऐसा दिखने वाला है. और जिस सेक्शन पर आप इंटरेस्टेड हैं उसके एक तरफ, जिस सेक्शन पर आप इंटरेस्टेड हैं उसके एक तरफ से आने वाले सारे छोटे 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 वेट फोर्सेस का सम. ऑल दीज टाइनी टाइनी लिटिल लिटिल वेट फोर्सेस, उनको आपको सम करना होगा. अगर आपको प्रथम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले से मालूम है तो ये आपके लिए एक लाइन की प्रॉब्लम है. नहीं मालूम है पहले से तो फिर आपको इसे इंटीग्रल के थ्रू जाना होगा, इंटीग्रेट करके जाना होगा. मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं. इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, देन यू कैन स्ट्रेट अवे सॉल्व इट इन वन लाइन. और इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन, देन यू विल हैव टू फॉलो द जनरल अप्रोच. एंड व्हाट इज दैट जनरल अप्रोच, आई विल टेल यू. डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूं वो जनरल अप्रोच क्या है. पहले अगर आपको वॉल्यूम का ये फॉर्मूला मालूम है
वॉल्यूम ऑफ पार्शियल कोन और फ्रस्टम ऑफ कोन। सर इसका नाम फ्रस्टम ऑफ कोन क्यों पड़ा? कोन फ्रस्ट्रेट हो गया था क्या? अब यार किसी को बीच से ऐसे काट दोगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा वो? हाँ, कल का टेस्ट 2:30 बजे से होगा और ये कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन साइकिल में भी फिट बैठेगा। रात में प्रैक्टिस सेशन, रात भर और फर्स्ट हाफ आप प्रैक्टिस करो और 2:30 बजे टेस्ट दो। हाँ ऑब्वियसली यार, अब किसी को ऐसे पकड़ के, और देखो ना उसका ऊपर कौन ऊपर तक रहा होता और बीच से आपने काट दिया, ऐसे फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा, तो तभी से नाम पड़ गया इसका फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन का, फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 pi हाइट एंड R1 square plus R2 square plus R1 R2। ये अगर आपको मालूम है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, तब तो ये एक लाइन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट, इसको इन सारे फोर्सेस के एक्यूमुलेटेड इफेक्ट को, इन सारे फोर्सेस के एक्यूमुलेटेड इफेक्ट को रजिस्ट करने के लिए यहां पर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा और यही स्ट्रेस फाइंड आउट करना है हमें। सो स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स विल बिकम लोड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स अपॉन एरिया एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स। लोड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, लोड यहां पर क्या है? एक तरफ से आने वाले 2:30 PM और 14:30 hours, दोनों बातें एक ही हैं। रामानुजन बोस 2:30 PM एंड 14:30 hours, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर थिंग्स। सो px अपॉन ax, नाउ p इज व्हाट? एक तरफ से आने वाले सारे छोटे 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 वेट फोर्सेस का सम। एक तरफ से, आइदर साइड इज द कंसेप्ट, और एक तरफ से ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये इतना वेट आ रहा है, तो वेट, वेट फ्रॉम ए टू सी, वेट फ्रॉम ए टू सी, एंड एरिया क्या है वहां पर? एरिया है पाई इंटू 1.5 r² जिस सेक्शन पे आप इंटरेस्टेड है वहां पर एरिया है पाई इंटू 1.5 r². वेट क्या हो जाएगा बच्चा? वेट इज गोइंग टू बी व्हाट? वेट इज गोइंग टू बी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 r² डिवाइडेड बाई 4। पाई मल्टीप्लाइड बाई 9 r² डिवाइडेड बाई 4। वॉल्यूम का वो फॉर्मूला रख दो 1/3, जिस जितने कोन में आप इंटरेस्टेड हो उसकी हाइट है L/2। द कोन इन विच यू आर इंटरेस्टेड दैट हाइट इज L/2, एंड इसकी मिनिमम रेडियस है r, और इस इतने कोन की मैक्सिमम रेडियस है 1.5 r। सो r² प्लस 1.5 r² प्लस r1 इंटू r2, दैट इज r इंटू 1.5 r, एंड दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 9 r² by 4, 9 r² by 4। सर जी सिंप्लीफाई कर लें, मैं जी को यहां इंक्लूड करना भूल गया हूं तो उसको पहले ही लिख देता हूं। सिंप्लीफाई कर लें और आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा विच इज 19 ρgL/36। डू सिंप्लीफाई प्लीज एंड यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली, इक्विलिब्रियम इज योर फ्रेंड, जस्ट लाइक रियल लाइफ में गूगल इज योर फ्रेंड, वैसे ही सोम और डिजाइन और मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम इज योर फ्रेंड। तो गाइस ये याद रखना एक्चुअली बेटर है कि आप ये फॉर्मूला याद रख लें फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए। कोन के लिए वैसे भी आपको याद है 1/3 πr²h, बस 1/3 πr²h में आर स्क्वायर की जगह आपको रखना है आर मिनिमम स्क्वायर प्लस आर मैक्सिमम स्क्वायर प्लस आर मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट नो नो नो, सपोज इफ आई वॉन्ट हैव रिमेंबर्ड द फॉर्मूला,
वॉट अप्रोच वुड आई फॉलो। अगर मुझे फॉर्मूला याद ना होता तो फिर आपको कैलकुलस का सहारा लेना होता। इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला यू नेचुरली विल हैव टू टेक द यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलस। एंड द हेल्प ऑफ कैलकुलस सेज दैट इन जनरल कर लेते हैं R1 R2 के लिए कि अगर एक फ्रस्टम ऑफ कोन R1 से R2 तक जा रहा है, फ्रस्टम ऑफ कोन इज गोइंग फ्रॉम R1 टू R2, देन डीवी कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? डीवी आप एक्सप्रेस करोगे पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स, पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स, वेयर दिस x you are measuring from minimum thing and x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेकर l तक। अब r एक्सप्रेस करना होगा हमें किसी भी x डिस्टेंस पर। एट एनी डिस्टेंस x वी विल हैव टू एक्सप्रेस r। यहां पर मैंने एक छोटी सी डिस्क ले ली है और उस डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है और डिस्क की थिकनेस है dx। आई हैव टेकन स्मॉल लिटिल डिस्क समवेयर इन द फ्रस्टम ऑफ कोन एंड the area of the disk is pi r square and thickness of the disk is dx. R is any general radius at x distance. Now I'm going to replace that r. आप समझ सके तो appreciate करना खुद को, नहीं समझ सके तो मैं explain करूंगा। If you understand, sir अब गेट में सीट्स तो बची नहीं है, अंडर 100 रैंक लाकर तो कुछ होता है, इससे बढ़िया कोडिंग करते हैं तो वैसे ही 12-15 लाख का पैकेज लग जाएगा। तो तुम यार यहां टाइम क्यों वेस्ट कर रहे, तुम कोडिंग करो जाके। तुम अगर ऐसे जाके सब गेट के सेशंस में सबका भला करते रहोगे तो कोई तुम्हें डोनेशन थोड़ी ना देने वाला है। तुमने बताओ मतलब ये सब टाइप करने में इतनी एनर्जी लगाई, तुम यहां सबका लोक कल्याण करने की जिम्मेदारी तुमने ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई डोनेशन नहीं देने वाला है। तो आपका तो नाम ये राहुल कर, इसलिए कोडिंग कर राहुल, कोडिंग कर। सिविल से भी कोडिंग कर सकते हैं, ऑफ कैंपस लग जाएगी, मैंने मैकेनिकल लेकर गलती कर दी, तुमने अब क्या बोलू मैं, छोड़ो। मेरे ही इसी चैनल पर एक वीडियो है लाइफ एट आईआईटी बैंगलोर। समस्या यह है ना, तुम कोडिंग भी नहीं कर पाओगे। अच्छा सुनो राहुल, कोडिंग करो लेकिन सुनो जाते जाते सेशन को लाइक कर देना यार, ठीक है? जाते जाते सेशन को लाइक कर देना। और सुनो बढ़िया से कोडिंग करो एकदम, है ना? वो तो है ही है, गलती तो आई एम फ्रॉम एनआईटी सूरतकल मैकेनिकल ब्रांच, सो दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट एक्चुअली, दैट्स ग्रेट, आई टोटली एप्रिसिएट, गो अहेड, एवरीबॉडी इज फ्री to pursue his or her own dreams, okay? Sir, एक roasting वाला channel चाहिए। लेकिन राहुल seriously like करते हुए जाना session को। चलो देखो भाई साहब, अब अगेन मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, नहीं तो मैंने अभी 10-15 मिनट का लेक्चर पिला सकता हूं इस बात पर। मैं ये क्या लगा रखा है भाई, कोडिंग 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 कोडिंग, हाँ क्या लगा रखा है ये? और क्या लगा रखा है कि अंडर 100 आती है तभी कुछ होता है? कहाँ, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पिछले 3 साल से कम से कम 100 स्टूडेंट्स तो अकेले मेरे होंगे जो किसी बेहतर बेंचमार्क जगह पर हैं, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियर्स अस्पायर करते हैं जाने के लिए।
मैं एक अदना सा छोटा सा मिशन डीडीआर बैच चलाने वाला एक छोटा सा सिपाही, और जब सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे हैं तो ना जाने कितने इजी और टफ और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग इंस्टीट्यूट से निकले हुए कितने ही, और मैं ये मजाक बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सीरियसली, जब सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे किसी ना किसी बेंचमार्क जगह पर प्लेस हैं, हाँ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड। ये देखो नेगेटिविटी फैलाने से कुछ नहीं होगा, आप करो आपको जो करना है, आप क्योंकि आप फेल हुए ना, आपने जो डिसीजन लिया उसमें आप फेल हुए, इसलिए आप दुनिया को जाकर बता रहे हो दुनिया भर की बातें। सच्चाई ये है कि मैकेनिकल लिया लोगों ने और फिर प्रूव किया कि हाँ मेरा डिसीजन मेरी चॉइस सही थी, मैंने करके दिखाया, मैं IOCL में हूं आज, या फिर मैं ISC बैंगलोर में हूं आज, या फिर मैं BARC में हूं आज। अभी तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के साथ मैंने किया है, आप बताओ मैंने गलत क्या बोला। तुम गलत ये कर रहे हो कि तुम कोडिंग नहीं कर रहे, जाके कोडिंग करो। आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला, लेकिन आप समय ना वेस्ट करें किसी का भी, ना आपका ना हमारा, ठीक है। भाई आपके बारे में नहीं पता, हम लोगों का समय जो है वो हमें यूटिलाइज करना है। चल तो पाई R² dx एंड R की वैल्यू कैसे आप लिखने वाले हो, मैं R रिप्लेस करता हूं, अगर आप समझ सकें तो डू एप्रिसिएट योरसेल्फ, नहीं समझ सकें तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। R कैन बी रिटन एज R/λ + x is equal to R1/λ, so I can write R1/λ, I can write R1/λ, R1/λ + x upon lambda and square of that. And of course you have dx. अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा है जहां पर अगर ये फ्रस्ट्रेट ना होता कोण, तो जहां पर जाकर इसका वर्टेक्स होता वो है लैम्डा। अब सर ये लैम्डा अलग एक सरदर्द हो गया, हाँ लैम्डा एक सरदर्द हो गया, और इस लैम्डा को आप, इस लैम्डा रूपी सरदर्द को आप भगा सकते हो। कैसे भगा सकते हो? R1 R2 के बीच में सिमिलर ट्रायंगल्स लगाकर, R1/λ = R2/λ + L, यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल सकती है, और उस लैम्डा की वैल्यू को आप यूज करके अल्टीमेटली वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एंड यू कैन गेट दैट वॉल्यूम फॉर्मूला देन, ओके, 0 से लेकर L तक। ये ध्यान रखना x अभी भी हम यहां से मेजर कर रहे हैं, इसलिए x की लिमिट 0 से L ही रहेगी। वी आर स्टिल मेजरिंग x फ्रॉम मिनिमम डायमीटर ऑफ द कोन। अरे वो कोडिंग भी नहीं करेगा, वो देखो कुछ लोग होते हैं जिनको जो करना होता है ना, वो जाके ऐसे वो दुनिया भर की बातें, उसके पास इतनी फुर्सत है कि वो लोग कल्याण करने आ गया है, ये सो मच ऑफ फ्री टाइम दैट ही इज डूइंग यू नो सम काइंड ऑफ वेलफेयर हियर, सो व्हाट ही मस्ट बी डूइंग विद हिज इंजीनियरिंग, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो वॉल्यूम आप इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन इंटीग्रेट एंड यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट। तो गाइस ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आपसे याद रख लो फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए। मारुत सर पैकेज आफ्टर गेट 1.5, यार ये कैसे कहां से ये रिवील होता है? Who the hell reveals it? चलो अब मैं आपको ले चलता हूं आज के डिस्कशन के दूसरे पार्ट पर। Now I take you to the second part of the discussion. चलो 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 सभी लोग अभी कमेंट से बाहर आ जाओ। जिस मैं एक बात हमेशा कहता हूं और मैं वो दोहरा के इस कन्वर्सेशन को खत्म करता हूं, स्कोप इसी
ब्रांच में या किसी प्लेस में या किसी फील्ड में नहीं होता, स्कोप यहां होता है। और जिनमें यहां स्कोप होता है वो जिस भी ब्रांच में जाते हैं, जिस भी फील्ड में जाते हैं, जिस भी डोमेन में जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, वहां स्कोप पैदा होता है उनके लिए। एंड ये कोई मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, दिस इज ट्रू। मैंने अपनी सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ी थी तो लोगों ने कहा था मुझसे कि तुम 2014 में 10 लाख का पैकेज वॉज, 10.5 लाख का पैकेज वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड अ गुड वन। एंड लोगों ने कहा था मुझसे कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, टीचिंग उचिंग में क्या स्कोप है, कोई स्कोप नहीं है, तुम एक एमएनसी के लिए काम कर रहे हो। तीन साल नहीं लगे और मैंने उनको प्रूफ करके दे दिया कि स्कोप, आओ देखो स्कोप, स्कोप यहां होता है। ओके, 1.5 स्क्वायर 9 कैसे हुआ बेटा? 1.5 को मैंने 3 बाई 2 लिखा है और फिर 9 बाई 4 लिखा है। आई हैव रिटन 1.5 एज 3 बाई 2 एंड देन स्क्वायर ऑफ 3 बाई 2 इज 9 बाई 4। स्क्वायर ऑफ 3 बाई 2 इज 9 बाई 4। एंड बट इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो आज लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और अपने फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। चलो मैं आपको ले चलता हूं, चलो कमेंट से बाहर आ जाओ, कमेंट से बाहर आ जाओ। 19/54 आ रहा है, 19/54, इज इट कमिंग 19/54? 19/54 हाफ डाउन का वेट लेकर कर सकते थे, नहीं कर सकते। अगर आप नीचे से कैलकुलेट करोगे तो आपको रिएक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप यहां पर इंटरेस्टेड हो ना, क्योंकि आइदर साइड इज द कंसेप्ट, इसलिए अगर आप मिडिल वाले सेक्शन पर कर रहे हो और आप नीचे से कैलकुलेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आपको पहले टोटल वेट कैलकुलेट करके रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि नीचे से आप देखोगे तो रिएक्शन जो है वो कॉम्प्रेसिव है और रिएक्शन फोर्स इज कॉम्प्रेसिव एंड वेट इज टेंसाइल। तो नीचे से अगर आप देखोगे तो टोटल वेट या टोटल लोड क्या हो जाएगा, टोटल लोड विल बिकम माइनस आर एफ प्लस हाफ द वेट। आइदर साइड से फिर सारे फोर्सेस लेने होंगे, आप सिर्फ वेट लेकर काम नहीं चला सकते। हाँ, मैं आपको ले चलता हूं आज की डिस्कशन के दूसरे पार्ट पर। लेट मी नाउ टेक यू टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज दैट एक्सियल लोडिंग के कारण होने वाले डिफॉर्मेशंस क्या होंगे, एक्सियल लोडिंग के कारण होने वाले डिफॉर्मेशंस क्या होंगे, व्हाट विल बी डिफॉर्मेशंस ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। और इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा स्ट्रेन के बारे में, दैट जब भी कोई एक्सियली लोडेड मेंबर होगा, वेन एवर देयर इज गोइंग टू बी एनी एक्सियली लोडेड मेंबर, तो लेंथ अगर एल है तो चेंज होके वो हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल। इफ द लेंथ इज एल, इट विल चेंज एंड इट विल बिकम एल प्लस डेल्टा एल। ड्यू टू दिस एक्सियल लोडिंग इट विल बिकम From L, it will become L plus delta L. अब आप अगर L length पर focus करो, difference से भी तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है difference से, वैसे भी निकाल सकते हो आप। कुल मिला के आप तो वो formula याद रख लो, 1/3πh, R minimum square plus R maximum square plus R minimum into R maximum. तो L length में अगर आप देखोगे कि L length में कितना change हुआ, L length आप consider कर रहे हो तो change कितना हुआ, if you consider L length change is nothing but delta L. So आप अगर unit length consider करोगे तो change कितना होगा, unit length consider करोगे तो change is how much, if you consider unit length change is delta L upon L. अब सुनो, इधर focus करो, come out of that problem, उस problem से बाहर आ जाओ और इस पे focus करो। unit length पे change हो जाएगा delta L by L. इस यूनिट लेंथ पे होने वाले चेंज को कहते हैं स्ट्रेन। दिस
चेंज हैपनिंग इन यूनिट लेंथ इज नोन बाय द नेम स्ट्रेन 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 स्ट्रेन. सो दिस इज हाउ स्ट्रेन इज डिफाइंड. ऑफ कोर्स एक शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन भी आगे हम पढ़ेंगे. सो दिस इज ओनली एक्सियल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन. ऑब्जर्वेशन नंबर टू दैट ये जो एप्साइलन आपने देखा है, अब एक ही एक्सियल लोडिंग के दो इफेक्ट आपने देखे. एक एक्सियल लोडिंग के आपने दो इफेक्ट देखे. एक एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट ये देखा कि उस एक्सियल लोडिंग को रजिस्ट करने के लिए, उस एक्सियल लोडिंग को रजिस्ट करने के लिए किसी भी गिवन सेक्शन पर कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए. एट टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग सम इंटरनल फोर्सेस डेवलप. दूसरा इफेक्ट आपने क्या देखा? दूसरा इफेक्ट आपने ये देखा दैट एक्सियल लोडिंग के कारण ये मेंबर इलांगेट हो गया, और इलांगेट होने के बाद उसमें एक डिफॉर्मेशन हुआ है, और उस डिफॉर्मेशन की वैल्यू है डेल्टा एल. सो वन इफेक्ट ऑफ दैट एक्सियल लोडिंग इज, वन इफेक्ट ऑफ दैट एक्सियल लोडिंग इज टू प्रोड्यूस सर्टेन इंटरनल फोर्सेस, एंड अनदर इफेक्ट ऑफ दैट एक्सियल लोडिंग इज टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशंस. किसी भी तरह के लोड के कारण दो डेंजरस इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, एक इंटरनल फोर्सेस और दूसरा डेंजरस इफेक्ट होगा डिफॉर्मेशंस. वन विल बी इंटरनल फोर्सेस एंड सेकंड डेंजरस इफेक्ट विल बी डिफॉर्मेशंस. आज के 350 साल पहले रॉबर्ट हुक ने प्रूव किया कि स्ट्रक्चरल मटेरियल्स के लिए अगर हम स्ट्रेस लोड की वैल्यू बढ़ाते रहें तो लोड की वैल्यू बढ़ाते रहें तो जो बढ़ती हुई स्ट्रेस वैल्यूज होंगी और जो बढ़ती हुई डिफॉर्मेशन वैल्यूज होंगी, वो जो बढ़ती हुई स्ट्रेन वैल्यूज होंगी, वो उनको प्लॉट किया जाए तो वो एक लीनियर वेरिएशन मिलने वाला है. हालांकि ये लीनियर वेरिएशन सारे स्ट्रक्चरल मटीरियल्स फॉलो करेंगे, लेकिन उनका स्लोप अलग अलग होगा. दिस linear variation will be followed by all the structural materials, materials like steel, copper, aluminum, concrete, cast iron, but their slopes are going to be different. So since this is a linear behavior, naturally we are going to describe it as y is equal to mx. Sigma और epsilon के बीच में एक लीनियर बिहेवियर है, और इसलिए हम उसे y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि सारे मटेरियल्स का स्लोप डिफरेंट है, सारे मटेरियल्स के लीनियर बिहेवियर का स्लोप डिफरेंट है. नेचुरली स्लोप जो है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है. इस मटेरियल प्रॉपर्टी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. This material property is known by the name modulus of elasticity. ध्यान से समझियो modulus of elasticity. Modulus of elasticity के बारे में दो बातें याद रख लो. पहली, वो stress strain diagram या stress strain behavior का slope है. दूसरी बात, that modulus of elasticity बताएगा कि material में कितना resistance available है स्ट्रेन या एप्सिलॉन को लेकर. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में दो बातें याद रख लो. पहली, कि वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का लीनियर पार्ट का स्लोप है, और दूसरी बात दैट अगर आप नोटिस करो एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, तो आप नोटिस करो अगर मटेरियल का ई काफी ज्यादा होगा, देन मटीरियल का एप्सिलॉन वैल्यू काफी कम होगा. इसका मतलब E material का resistance है. E is the resistance of the material. Okay? ये था दूसरा observation. And this second observation is known by the name Hooke's law. And now we discuss about the third and final thing. Third and final thing is that अगर मैं overall deformation में interested हूँ, तो कैसे मिलेगा हमें? बहुत ही आसान है. एप्सिलॉन की डेफिनेशन से आप देख सकते हो, डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन टू एल. लेकिन क्योंकि लीनियर बिहेवियर है सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में, इसलिए एप्सिलॉन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं सिग्मा डिवाइडेड बाय ई, सिग्मा डिवाइडेड बाय ई, एंड देन देयर इज एल. और इस तरह से आपको
इस तरह से आपको एक छोटे से, इस तरह से आपको एक किसी भी मेंबर में डिफॉर्मेशन मिल जाएगा सिग्मा एल अपॉन ई। सिग्मा को अगर मैं रिप्लेस कर दूं पी अपॉन ए तो ये हो जाएगा पी एल अपॉन ई ए, दिस विल बिकम पी एल अपॉन ई ए। गाइज कई बार ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होगा, ध्यान से समझियो। सो दिस इज डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई और पी एल अपॉन ई ए, पी एल अपॉन ई ए, ओके पी एल अपॉन ई ए, एंड वी आर समटाइम्स गोइंग टू एनकाउंटर प्रॉब्लम्स वेयर आइदर एरिया विल बी वेरिंग और लोड विल बी वेरिंग और इलास्टिसिटी विल बी वेरिंग। और जब भी एरिया या लोड या इलास्टिसिटी चेंज हो रहा होगा, वेरिएशंस हो रहे होंगे उसमें, तो यही फार्मूला आप यूज करोगे, तो आप यही फार्मूला यूज करोगे पी एल अपॉन ई ए, आप यही फार्मूला यूज करोगे। लेकिन क्योंकि लोड या इलास्टिसिटी या एरिया में वेरिएशंस हो रहे हैं, ये फार्मूला आप एक छोटी सी लेंथ पर ही यूज कर सकोगे, ये फॉर्मूला एक डीएक्स लेंथ पर यूज कर सकोगे। उसके बाद टोटल इलांगेशन में इंटरेस्टेड हो तो उस छोटू इलांगेशन को इंटीग्रेट करना होगा, छोटी सी लेंथ में होने वाले इलांगेशन को इंटीग्रेट करोगे एंड आप यहां पहुंच जाओगे। वंस यू इंटीग्रेट द इलांगेशन ऑफ छोटू लेंथ यू विल रीच हेयर। कूल, चलो जी चलो जी चलो जी अभी शुरू करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो डिफॉर्मेशंस में आंखें बंद करो और रिवाइज कर लो तीन इंपॉर्टेंट बातें, चार इंपॉर्टेंट बातें रादर। आंखें बंद नहीं, डोंट वरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब सांस को अंदर खींचे और ओम की प्रतिध्वनि के साथ सांस को बाहर छोड़े, वैसा कुछ भी नहीं है। हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन, सब कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इनफैक्ट आप सब्जेक्ट्स में जब घुसोगे ना तो आपको वही प्लेजर आप डिराइव कर पाओगे जो मेडिटेटिव प्लेजर होती है। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, क्लोज योर आईज। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, यूनिट लेंथ में होने वाले चेंज को हम कहते हैं स्ट्रेन। ऑब्जर्वेशन नंबर टू, 350 साल पहले किसी साइंटिस्ट, रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दैट स्टील से लेकर कॉपर तक, एल्यूमिनियम से लेकर ब्रास तक, कॉन्क्रीट से लेकर ब्रॉन्ज तक और सारे स्ट्रक्चरल मटेरियल्स जो हैं उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में एक लीनियर बिहेवियर को फॉलो करते हैं, आपस में एक लीनियर बिहेवियर को फॉलो करते हैं। लीनियर बिहेवियर मतलब y = mx, y = mx में y एक्सिस पर है स्ट्रेस और x एक्सिस पर है स्ट्रेन, इसलिए हमने लिख दिया उसको y = mx के फॉर्मेट में σ = E into epsilon। क्योंकि सारे मटेरियल्स का जो प्लॉट उन्होंने प्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डेटा, सिग्मा की बढ़ती हुई वैल्यूज, एप्साइलन की बढ़ती हुई वैल्यूज, सारे मटेरियल्स का स्लोप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट दिखा। इसका मतलब ई जो यहां स्लोप की जगह y = mx में स्लोप की जगह है वो सारे मटेरियल्स के लिए सेम नहीं है, वो सारे मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है, क्योंकि हर मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू अलग है, मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गया वो, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के स्लोप के साथ साथ एक और उसका सिग्निफिकेंस है, वो मटेरियल का रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है लीनियर डिफॉर्मेशंस के अगेंस्ट, मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशंस को। ऑब्जर्वेशन नंबर फोर, इलांगेशन कैलकुलेट करेंगे पी एल अपॉन ई ए से, अगर लोड या इलास्टिसिटी या एरिया एक्स के साथ लेंथ के साथ चेंज हो रहा हो तो पी डी एक्स अपॉन ई ए से, और इंटीग्रेट करके हमें टोटल इलांगेशन मिलेगा। ऑब्जर्वेशन नंबर फाइव, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई ए को अगर मैं पी अपॉन ई ए अपॉन एल लिख दूं तो ये बिल्कुल स्प्रिंग फॉर्मूला जैसा हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन के, और इसलिए वहां से कंपेयर करने पर ई ए बाई एल को हम
स्टिफनेस डिफाइन कर सकते हैं. ओपन योर आईज नाउ. ऑब्जर्वेशन नंबर वन दैट डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज स्ट्रेन. ऑब्जर्वेशन नंबर टू इज दैट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस आर लीनियरली रिलेटेड. ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री इज दैट slope of this linear relation is called as modulus of elasticity, but it also represents the resistance to linear deformations. Observation number four, elongation can be written as PL by EA or integration PDX by EA. Observation number five, if I compare delta L, this delta L formula with the spring formula, if I compare this delta L formula with the स्प्रिंग फॉर्मूला, अगर मैं ये डेल्टा एल का फॉर्मूला पी अपॉन ई अपॉन एल इसे स्प्रिंग फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूं, जहां पर आपने सीखा है स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन के, तो आप देखोगे डिफॉर्मेशन की जगह डिफॉर्मेशन है, लोड की जगह लोड है. नेचुरली डिनोमिनेटर को कंपेयर करके आप स्टिफनेस डिफाइन कर सकते हो. नेचुरली बाई कंपेयरिंग डिनोमिनेटर यू कैन डिफाइन स्टिफनेस. इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस. सिर्फ ईए को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिजिडिटी. ओनली ईए इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल रिजिडिटी एंड ईए बाय एल इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस. ये आ गया प्रॉब्लम हमारे सामने. कंसिडर अ टैपर्ड बार ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट थिकनेस एंड लीनियरली वेरिंग डेप्थ. द इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द बार इज arithmetic mean of minimum and maximum dia, geometric mean of minimum and maximum dia, harmonic mean of minimum and maximum dia, logarithmic mean of minimum and maximum dia. Up to the limit, exactly. आपका कोर्स ऐप पर होगा या वेबसाइट पर होगा? बेटा मेरा कोर्स, अगर आप फुल फ्लेज कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों पर होगा. अभी फिलहाल वेबसाइट लाइव है, एक वीक के अंदर अंदर ऐप भी आ जाएगा. ऐप ऑलरेडी ऐप पर काम चल रहा है. इन वन वीक ऐप विल बी देयर. लॉगरिथमिक मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम डाया, ये सब रट कर आए हुए हैं यहां पर. लॉगरिथमिक मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम डाया, ओके. आई नीड टू ऐड वन स्लाइड हियर. ध्यान से समझियो. तो आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात की गई है जिसकी थिकनेस कांस्टेंट हो लेकिन लेंथ लीनियरली वेरिंग हो. दे आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर सेक्शन विच इज हैविंग थिकनेस कांस्टेंट बट द डाया इज द डेप्थ इज लीनियरली वेरिंग. कैसा दिखने वाला है ये रेक्टेंगुलर सेक्शन? ये रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐसा दिखने वाला है दैट थिकनेस कांस्टेंट है सभी जगह पर. Thickness is constant everywhere and depth linearly change हो रहा है. Depth is changing linearly. So thickness is constant. Basically ये problem मैंने इसलिए select की है कि इसी के through मैं demonstrate कर सकूंगा कि अगर आपके सामने कभी variable area आ जाए तो आप कैसे tackle करने वाले हो. If you come across a variable area, how you are going to tackle it? तो ये एक rectangular section का bar है जो tapering है और इसको आपने एक axial loading apply कर दी. Axial loading apply कर दी. अब हालांकि उसमें question में mention होना चाहिए axial loading के लिए, लेकिन क्योंकि हम axial loading ही कर रहे हैं तो इसलिए मैंने mention नहीं किया. मैं मान लेता हूँ एक तरफ depth की value है, एक extreme पर depth की value है small a, और दूसरे एक्सट्रीम तक जाते जाते डेप्थ की वैल्यू हो जाती है स्मॉल बी. आई अस्यूम दैट एट वन एक्सट्रीम द वैल्यू ऑफ डेप्थ इज स्मॉल ए, एट अनदर एक्सट्रीम द वैल्यू ऑफ डेप्थ इज स्मॉल बी, द थिकनेस इज रिमेनिंग कांस्टेंट. थिकनेस कांस्टेंट है यहां पर. ये थिकनेस जो है मेंबर की ये कांस्टेंट है. अब आप लिखने वाले हो टोटल इलांगेशन. टोटल इलांगेशन क्या होता है? टोटल इलांगेशन होता है पी डिवाइडेड बाई ई ए डी एक्स. पी बाई ई ए डी एक्स का इंटीग्रल. पी एक पूरे मेंबर पर आप कहीं भी कैलकुलेट करोगे
हर सेक्शन पर बराबर 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 है. एनीवेयर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड यू हैव सेम वैल्यू ऑफ पी सेम वैल्यू ऑफ पी सेम वैल्यू ऑफ पी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जब तक कुछ ना मेंशन किया जाए तो हम मानने वाले हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा वैरायटी करवा दी है. सही है सही है सही है. dx अपॉन a. अब एरिया आप नोटिस करो चेंज हो रहा है लगातार. एरिया चेंज हो रहा है. किसी रैंडम सेक्शन पर अगर आप जाकर देखोगे तो वहां पर थिकनेस भले ही चेंज ना हुआ हो लेकिन थिकनेस भले ही चेंज ना हुआ हो लेकिन डेप्थ चेंज हुआ है. एट एनी जनरल सेक्शन x, एट एनी जनरल सेक्शन x द डेप्थ वैल्यू इज वेरिंग. हाँ थिकनेस इज नॉट वेरिंग, थिकनेस इज रिमेनिंग सेम. थिकनेस सेम रह रही है तो वहां पर एरिया क्या हो जाएगा? वहां पर एरिया हो जाएगा d मल्टीप्लाइड बाई t. और d मैं एक्सप्रेस करता हूं, आप समझ सके तो एप्रिसिएट करना खुद को, नहीं समझ सके तो SHAME_ON_YOU. समझ सके तो तारीफ करना खुद की, नहीं समझ सके तो शेम ऑन यू. d की वैल्यू मैं लिखता हूं, d की वैल्यू होगी a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स. ये है डेप्थ की वैल्यू किसी एक्स लोकेशन पर एंड इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स लोकेशन पर एरिया मिल जाएगा. आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद थिकनेस सो आई एम गेटिंग एरिया एट एक्स लोकेशन. देयरफॉर डेल्टा एल विल बिकम व्हाट? डेल्टा एल विल बिकम पी बाई ई एंड डी एक्स अपॉन दिस वैल्यू टी एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेप्थ प्लस स्लोप. मिनिमम वैल्यू ऑफ डेप्थ प्लस स्लोप इंटू एक्स. एक्चुअली मैंने सी प्लस एम एक्स लिखा है क्योंकि डेप्थ लीनियरली चेंज हो रहा है. नेचुरली एक्स की लिमिट होनी चाहिए जीरो से लेकर एल तक अगर आप इसे पूरा कवर करना चाहते हो. इफ यू वॉन्ट टू कवर दिस एंटायरली इट्स वैल्यू इट्स लिमिट इज गोइंग टू बी जीरो टू एल. इंटीग्रेट करना लिमिट अप्लाई करना आपका काम है. टू इंटीग्रेट दिस एंड टू अप्लाई लिमिट्स इज योर टास्क इज योर जॉब. And once you are going to integrate and apply the limits, you are going to get something like this. आप limits apply करोगे, integrate करोगे, आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है. PL upon ET B minus A and logarithmic natural log of b upon a. अगर आप इसे एक uniform rectangular section से compare करो, अगर आप इसे एक uniform rectangular section से compare करो तो एक uniform rectangular section जिसका area change ना हो रहा होता उसकी depth क्या होती कंपैरिजन से आप फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट वुड हैव बीन द इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ दैट यूनिफॉर्म सेक्शन. क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए आप क्या लिखते? यूनिफॉर्म के लिए आप लिखते पी एल अपॉन ई ए एंड ए वैल्यू हो जाएगा डी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई टी. ए वैल्यू इज गोइंग टू बिकम डी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई टी एंड मल्टीप्लाइड बाई ई. दोनों को कंपेयर कर लो बच्चा. दोनों को कंपेयर करने से आपको इक्विवेलेंट डेप्थ मिल जाएगा और इक्विवेलेंट डेप्थ ए और बी का लॉगरिथमिक मीन है. इक्विवेलेंट डेप्थ इज लॉगरिथमिक मीन ऑफ ए एंड बी. अगर आप एक यूनिफॉर्म सेक्शन का रेक्टेंगुलर मेंबर कंसीडर करते तो आप सीधे सीधे पीएल अपॉन ई ए अप्लाई करते. इफ यू वुड हैव कंसीडर्ड अ रेक्टेंगुलर मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन देन यू वुड हैव अप्लाइड पीएल अपॉन ई ए डायरेक्टली. Now compare it and you are going to get dia same as LMTD of heat transfer. जैसे heat transfer में LMTD है वैसा ही आपको equivalent depth का value मिलने वाला है. Heat transfer से याद आया ये अभी तो heat transfer भी होना है इस practice program में. Tool 1, Tool 2, Tool 1, Tool 2, Tool 1, Tool 2, Tool 1, Tool 2 बने रहें और अगले
50 दिनों में लगभग 15 दिन हमने तपस्या को जी भर के जिया है और 50-55 दिनों में 40-35-40 दिन और बाकी हैं और 35-40 दिनों को जबरदस्त बनाएंगे। एग्जैक्टली ही ट्रांसफर में आएंगे हिमाचल प्रदेश के एप्पल, मीठे मीठे होते हैं। एग्जैक्टली प्रथम उपकोण इज सपोर्टिंग इट्स ओन वेट। इफ द टोटल वेट इज W, डिटरमाइन द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द मेंबर ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के कारण आपको इसका इलॉन्गेशन फाइंड आउट करना है। बेटा जहां भी वेरिएबिलिटी का केस आ जाए, याद रखो लोड वेरिएबल हो, एरिया वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो, पहले उसको एक्सप्रेस कर लेना डिस्टेंस के साथ। एक्सप्रेस कर लोगे डिस्टेंस के साथ तभी आप इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर तक पहुंच पाओगे। सो जो भी वेरिएबल हो, विदाउट अटेंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ऑफ कोर्स टुडेज टेस्ट वाज टू ऑसम। यस, फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम है, एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से एंट्रोपी कितना जनरेट होगी। जो इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड होते हुए ब्लॉक और उससे एसोसिएटेड फ्रिक्शन पे एंट्रोपी में प्रॉब्लम दे सके, वो अनमैचेबल। इनफैक्ट मैंने मैकेनिक्स में फ्लूइड मिक्स किया, मैंने मैकेनिक्स में सोम मिक्स किया थोड़ा बहुत, मैंने थर्मो में भी जहां जरूरत पड़ी है मिक्स किया है, मैंने थर्मो में हीट ट्रांसफर मिक्स किया। अगर आपने टेस्ट नंबर 4 दिया हो, यस टेस्ट नंबर 3 और 4 मैंने हीट ट्रांसफर भी ये किया है, मिक्स किया है। स्लैब क्वेश्चन, एग्जैक्टली एक कंपोजिट स्लैब है और उससे हीट ट्रांसफर हो रहा था, मैंने पूछा एंट्रोपी जनरेशन। सो आई हैव ट्राइड मिक्सिंग सब्जेक्ट्स वेयर एवर इट वॉज पॉसिबल। मैंने बोला भी था कि मैं सब्जेक्ट्स को मिक्स करता रहूंगा। चलो देखो, ये एक बढ़िया प्रॉब्लम है, दिस इज वन गुड, रियली गुड प्रॉब्लम, और इसीलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है, नहीं तो इस पर तो बहुत आसान आसान प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली वेरी इजी प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर्मुलेटेड, बट फॉर एग्जांपल अगर प्रिज्मेटिक मेंबर है तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इफ इट इज प्रिज्मेटिक मेंबर यू कैन कैलकुलेट जस्ट लाइक दैट, इफ इवन इट इज टोटल कंप्लीट कोन यू कैन कैलकुलेट जस्ट लाइक दैट। एक प्रिज्मेटिक मेंबर है या फिर एक कॉनिकल मेंबर है तो भी आप बड़े आराम से बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। If it is prismatic member, if it is simple cone, you can calculate just like that. X distance per load express कर दो, X distance per load हो जाएगा, इतना weight, क्योंकि either side is the concept, यहाँ भी X distance per मैंने radius मान ली R, और load express कर दो, इतना weight, either side is the concept, and delta L आप बड़े आराम से calculate कर सकते हो, load at any x distance multiplied by dx upon EA 0 से लेकर L तक। यहां भी delta L you can calculate just like that, load into dx upon E into A and 0 से लेकर L तक। अब ये load क्या है, ये load है ये इतना shaded weight, ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये इतना वेट है लोड, और वो वेट क्या हो जाएगा, वेट होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, वेट इज गोइंग टू बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, इस इतने शेडेड वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक्स, डेंसिटी बाहर आ जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, एंड वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक्स, डिनोमिनेटर में ए है, एंड अगर आप इंटीग्रेट करने वाले हो, सिंप्लीफाई करने वाले हो, आपको मिलेगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन टू ई।
If you integrate this, simplify, you are going to get rho gl square upon 2e. यहां पर लोड क्या है? लोड है ये इतना हाईलाइटेड एरिया का, लोड है ये इतने हाईलाइटेड पार्ट का वेट. आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. आइदर साइड इज द कंसेप्ट. अब ये आइदर साइड से अगर आप देखने वाले हो, कौन का वॉल्यूम होता है 1 by 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई जिस एक्स डिस्टेंस पर आप इंटरेस्टेड हो, वहां पर एरिया की वैल्यू है पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. वैसे तो आर स्क्वायर आर वेरिएबल है, लेकिन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. गुड न्यूज ये है कि उसकी वेरिएबिलिटी आपको परेशान नहीं करेगी. 1/3 ऑफकोर्स रो और जी लिखना मैंने यहां पर मिस कर दिया. 1/3 पाई रो जी एंड 1/3 पाई रो जी, इनफैक्ट पाई भी नहीं बचेगा, यू विल नॉट इवन हैव पाई एंड यू हैव एक्स डी एक्स जीरो से लेकर एल तक. अगर आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन 6e. यू आर गोइंग टू गेट रो जी एल स्क्वायर अपॉन 6e. लेकिन इस प्रस्थम उपकोण में ऐसे मत करने लगना कि बड़ा कोण माइनस छोटा कोण. किसी ने पहले बोला था ना डिफरेंस, मैंने डिफरेंस डोंट माइंड एनीथिंग. इज इट पॉसिबल टू डू योर 32 लेक्चर्स कोर्स इन 4 days? नो 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 नो. यू आर टॉकिंग अबाउट हीट ट्रांसफर कोर्स? नो, प्लीज डोंट डू. I'll suggest a better thing. Keep doing practice for TOM, then FM, then TOM. Okay? And this is like 15 days. 5 days SOM, 5 days FM, 5 days TOM. Now in 15 days, try covering just one lecture a day in parallel for heat transfer. 15 lectures you have already covered. That means you can cover 2 days of heat transfer's practice. Remaining 2 days of heat transfer practice you can do after December, no problem. देखो उतना ही खाओ जितना पचा पाओ. चलो तो यहां पर डिफरेंस से मत करने लगना बच्चा. Don't do it with difference, okay? Difference से नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको difference से क्यों नहीं होगा. But let me simply go ahead and give you the hint. मैं पूरा integrate करके और ये सब नहीं करने वाला हूं. पी एल अपॉन ई ए, नेचुरली मैं किसी भी एक्स डिस्टेंस पर इंटरेस्टेड हूं तो उस एक्स डिस्टेंस के ऊपर जितना भी वेट है उस एक्स डिस्टेंस के ऊपर जितना भी वेट है वो मुझे कंसिडर करना होगा. वट एवर वेट इज देयर ओवर एंड अबव द एक्स डिस्टेंस आई विल हैव टू कंसिडर दैट मच वेट. क्यों? क्योंकि आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट. एंड इसलिए मैं पहले सिखा दिया आपको. तो जो प्रॉब्लम पहले आपने प्रस्थम अपकोण का देखा वो एक्चुअली एक पर्पस के लिए रखा गया था. क्योंकि एक साथ अगर एक प्रॉब्लम में इतनी सारी बातें बताता आप, कोण तो फ्रस्ट्रेट था ही, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते. दैट्स व्हाई मैंने आपको प्रस्थम अपकोण के किसी पार्ट का या पूरे प्रस्थम अपकोण का वॉल्यूम कैलकुलेट करना सिखा दिया. दैट्स व्हाई. सो गाइज दिस फॉर्मूला, दिस वॉल्यूम फॉर्मूला यू रिकॉल, 1/3 into pi into height and r minimum square plus r maximum square plus r minimum into r maximum. 1/3 into pi into height and then r minimum square plus r maximum square plus r minimum into r maximum. And if you remember this, then this problem is actually easy for you. Why? Because load at section x will become
load at section x will become the sum of all chotu 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 weight forces. छोटे 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 वेट फोर्सेस का सम कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर एक्स तक. छोटे 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 वेट फोर्सेस का सम कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर एक्स तक. ध्यान से समझियो बोल्ट्जमैन साहब आके चाप देंगे. एग्जैक्टली है ही रेडिएशन वगैरह इतना फैसिनेटिंग है कि अगर उसको बोरिंग बना के कोई पढ़ाए तो वो पापी है. अब जो एंट्रोपी को बोरिंग बना के पढ़ाए वो पापी है, जो गियर्स को बोरिंग बना के पढ़ाए वो पापी है, क्योंकि क्या ही तो रहस्य है. वाओ. सो वेट फोर्सेस ए से लेकर एक्स तक, ये इतना वेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये इतना वेट फोर्स. बाय द वे ये फिर से गिवन है दैट दिस इज आर एंड दिस इज 1.5 आर, दिस इज 2 आर ओवर लेंथ एल. अगेन मैं पूरा इंटीग्रेट करके नहीं दिखाने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर बताने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, आई एम सिंपली गोइंग टू टेल यू द प्रोसीजर. सो वेट फोर्सेस यू हैव टू सम अप फ्रॉम ए अप टू एक्स, ए से लेकर एक्स तक के वेट फोर्सेस आपको सम अप करने हैं. वेट मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मास बन गया, और मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी. वॉल्यूम में लिख सकता हूं 1/3 πx, वॉल्यूम आई कैन राइट 1/3 π × x. ये ध्यान रखना मैं सिर्फ एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस में इंटरेस्टेड हूं, और इसलिए मैंने ये जितना पार्ट कलर किया है मैं सिर्फ उस उतने पार्ट का वेट कैलकुलेट करूंगा. आई एम गोइंग टू बी इंटरेस्टेड ओनली इन आइदर साइड इज द कंसेप्ट. इसका मिनिमम रेडियस है आर, और एक जनरल रेडियस आपने इमेजिन किया है स्मॉल आर कहीं पर. सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये हो गया लोड का वैल्यू. और ये बस लोड का ही वैल्यू सब कुछ है, दिस लोड वैल्यू इज एवरीथिंग. ये लोड का वैल्यू लाकर यहां पर रखेंगे, ई को हम बाहर ले सकते हैं. लोड वैल्यू इज 1/3 × π × x एंड आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर. आप चाहो तो रो और जी को भी कॉमन बाहर ले लो. यू टेक रो एंड जी आउटसाइड, डिवाइडेड बाई नॉट ओनली ई बट ऑल्सो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. इससे पहले कि आप इसे जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर सकें और टोटल इलांगेशन फाइंड आउट कर सकें, इससे पहले कि आप इसे जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर सकें और टोटल इलांगेशन फाइंड आउट कर सकें, मेरे प्यारे दोस्तों स्मॉल आर एक्सप्रेस करना होगा आपको. स्मॉल आर एक्सप्रेस करना होगा आपको, और स्मॉल आर एक्सप्रेस करना सिखाया मई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई लैमडा प्लस एल is equal to capital R divided by capital R divided by lambda, where lambda is what? So small r value will become, I'm so sorry, small r divided by lambda plus x is equal to capital R divided by lambda. So small r ki value ko main likh sakta hun capital R and lambda plus x upon lambda. ये नहीं समझ में आया सर, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ये क्या किया आपने, ये क्या हुआ. एक्चुअली हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट है, एक्चुअली ओनली दिस मच पार्ट इज देयर, एंड यहां पर रेडियस है आर कहां, इसी लैम्डा पोजीशन पर, एंड यहां पर रेडियस है किसी जनरल डिस्टेंस लैम्डा प्लस एक्स पर स्मॉल आर. मैं यूज कर रहा हूं सिमिलर ट्राइंगल्स, आई एम यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स दैट कैपिटल आर डिवाइडेड बाय
कैपिटल आर डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस एक्स। अब ये लैम्डा कैसे निकलेगा? लैम्डा फिर से निकलेगा सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके, लैम्डा फिर से निकलेगा सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके, दैट टू आर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस एल, टू आर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस एल इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई लैम्डा। यहां से आप लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, वो लैम्डा वैल्यू यहां रखेंगे जाकर, तो आपको स्मॉल आर मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। उस स्मॉल आर को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पुट करेंगे मेन एक्सप्रेशन में और इंटीग्रेट करेंगे। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट लैम्डा वैल्यू, आफ्टर फाइंडिंग आउट द लैम्डा वैल्यू यू विल पुट इट हेयर सो दैट यू कैन गेट किसी जनरल सेक्शन का रेडियस एक्स के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में किसी जनरल सेक्शन का रेडियस, और एक बार किसी जनरल सेक्शन का रेडियस आ गया तो आप उसे यहां पर पुट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट्स योर जॉब। लैम्डा कैसे निकलेगा, नीचे बताया तो मैंने लैम्डा कैसे निकलेगा सर। टू ई क्यों बेटा, अच्छा 2e आप कह रहे हो, दो दो e लिख दिए मैंने कहा, एक ही e तो दिख रहा है मुझे, दिस e written two times, where अविनाश आई कैन सी इट, इट्स ओनली रिटन वन टाइम, क्या करते आप लोग। चलो 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 जल्दी से अभी एक्सेल लोडिंग खत्म करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू, ये प्रॉब्लम कंप्लीट करना, ठीक है, ऐसे मत छोड़ देना, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। नाउ आई टेक यू टू थर्ड डिस्कशन, अब मैं आपको ले चलेगा आज के तीसरे डिस्कशन पर। नाउ आई टेक यू टू द थर्ड डिस्कशन टुडे, एंड द थर्ड डिस्कशन टुडे इज कनेक्टेड मेंबर्स। ये कनेक्टेड मेंबर्स क्या है सर? कनेक्टेड मेंबर्स हैं, कनेक्टेड मेंबर्स, हाँ वही तो हमने भी पूछा, कनेक्टेड मेंबर्स हैं क्या? कनेक्टेड मेंबर्स हैं, और इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें और सॉल्व करें। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड सिंपली सॉल्व। सर व्हेनेवर आई फिनिश लर्निंग एनी कंसेप्ट फ्रॉम यू आई फील लाइक I have watched the final episode of Chernobyl. That's great. That's a big, 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 big compliment. Ashik, thank you so very much for saying it out loud and clear. It's highly encouraging for me. Seriously. लास्ट वाले का इलांगेशन वर्सेस लोड ग्राफ एक बार बता सकते हैं क्या? मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली। सेम बॉटल आई ऑल्सो हैव, बढ़िया। तो कनेक्टेड मेंबर्स में एबीडी बनाएं और सॉल्व करें, देयर इज एब्सोल्युटली नो नथिंग न्यू, सीधे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। A solid rod is supported by a rigid disc at top. The disc is further supported by over a hollow rod as shown. The vertical displacement at end B of the solid rod is. Vertical displacement at end B of the solid rod is. So there is this solid rod at the center. Center pe ye solid rod hai yahan par. Ye solid rod center par hai. Ye jo green se maine ग्रीन से कलर किया है, और सराउंडिंग में ये दो अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूरा एक है। ये येलो वाला पार्ट जो है ये पूरा एक कॉमन पार्ट है, दिस येलो पार्ट इज वन कॉमन पार्ट, एंड दे बोथ आर वेल्डेड टू आ, दे बोथ आर फुल लेंथ टेस्ट जनवरी से दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आइडियल स्ट्रैटेजी ही होनी चाहिए कि आप दिसंबर में टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, और जनवरी में
फुल फ्लेज में फुल लेंथ टेस्ट दे, बहुत पहले से फुल लेंथ टेस्ट देना इज नॉट एडवाइजेबल. क्यों? क्योंकि एक राइट टाइम पर मोमेंटम को पीक पर ले जाना प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त किसी ने एक एक दो दो घंटे भी पढ़ाओ चलेगा, सितंबर में जाके एक अपहिल कर्व डेवलप होना शुरू होना चाहिए और नवंबर में जाके आपकी प्रिपरेशन पीक पर पहुंचनी चाहिए जब आप 15-16 घंटे दिन भर 2p hollow plus p solids is equal to p. What is this? कितने full length test? मेरे हिसाब से देखो 7 full length test तो हमारे होने हैं और उसके अलावा 6-7 और दे देना, 10-12 full length test काफी हैं. उसके बाद improvement होता नहीं है, फिर वो बुरा मत मानना, बहुत blunt और बहुत honest opinions देता हूं मैं. फिर कोई 30 दे डाले 50 दे डाले तब भी कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए बेटर ये होता है कि एक फुल लेंथ टेस्ट दे तो एक दो दिन का गैप लें और गैप लेने के बाद एनालाइज करें जो वीक एरियाज हैं उन पे रीवर्क करें तब जाएं. हर दिन फुल लेंथ टेस्ट दे के आप क्या कुछ नहीं हासिल होगा. एक टेस्ट देने के बाद फिर आप दो दिन का ब्रेक लें और दो दिन जो भी आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई किया आपने उन वीक एरियाज पर रीवर्क करें. जैसे अगर आपने 11 जनवरी को एक फुल लेंथ टेस्ट दिया तो अगला फुल लेंथ टेस्ट आप 14 जनवरी के पहले ना दें. इफ यू हैव टेकन फुल लेंथ टेस्ट ऑन 11th ऑफ जनवरी देन डोंट टेक नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट बिफोर 14th ऑफ जनवरी. 11th टू 12th, 12th टू 13th, 13th टू 14th अलाउ दी 72 आवर्स फॉर यू टू इंप्रूव, देन ओनली यू गो इनटू द नेक्स्ट मैच. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. Let's solve this. My dear friends, मैंने बोला आपको फ्री बॉडी डायग्राम. मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला आपको फ्री बॉडी डायग्राम. By the way, जिन्हें विजुअलाइज ना हो पा रहा हो वो प्लीज विजुअलाइज कर लो दैट एक्चुअली ये पूरा अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है. एक्चुअली दिस होल अरेंजमेंट इज लाइक दिस, दैट ऑन द टॉप देर इज अ डिस्क एंड टू दैट डिस्क देर इज अ हॉलो शाफ्ट कनेक्टेड. To that disc, there is a hollow shaft connected like this. And this hollow shaft is running out on the outer side. Ye hollow shaft pura ka pura outer side pe running hai. And phir is disc ke center par, ab yahan ka space create ho gaya kyunki hollow hai. Isliye is disc ke center se yahan se ek solid shaft nikalta hai. Disc ke central part mein ek solid shaft weld kar diya humne. And wo solid shaft, वो सॉलिड शाफ्ट ये सॉलिड रॉड यहां से ऐसे हॉलो शाफ्ट के बाहर आता हुआ दिखेगा. हॉलो शाफ्ट को आपने एक फिक्स्ड सपोर्ट दे रखा है. द हॉलो शाफ्ट यू हैव गिवन अ फिक्स्ड सपोर्ट हेयर. टू द हॉलो शाफ्ट यू हैव गिवन अ फिक्स्ड सपोर्ट हेयर एंड सॉलिड शाफ्ट पे लटक गए आप. ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है ना, लटक मत पटक जाएगा. इस तरह से है ये पूरा अरेंजमेंट. मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर मान लो ये हॉलो शाफ्ट ना होता, इफ दिस हॉलो शाफ्ट वोंट हैव बीन देयर, ध्यान से समझियो, इफ दिस हॉलो शाफ्ट वोंट हैव बीन देयर और यहां फिक्स होता, इफ दैट हॉलो शाफ्ट वोंट हैव बीन देयर and if the top must have been fixed, then अगर top fixed होता, hollow shaft नहीं होता, तो ये solid shaft कितना elongate होता, ये topmost point के respect में, ये solid shaft कितना elongate होता, जितना ये solid shaft elongate होगा, naturally B point पे उतना ही displacement आपको दिखने वाला है, B point पे आपको उतना ही displacement दिखने वाला है. तो बी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट दिखेगा वो बेसिकली उस सॉलिड शाफ्ट का इलोंगेशन ही तो है. दैट सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द लोड पी, दैट सॉलिड शाफ्ट इज हैविंग द लेंथ रियल बाई टू, दैट सॉलिड शाफ्ट इज हैविंग द इलास्टिसिटी वैल्यू ई
and that solid shaft is having the area value pi d square by 4. So you are going to get, you are going to get 6 PL upon e pi d square. 6 PL upon e pi d square, if I'm not wrong. लेकिन इस पी लोड को अल्टीमेटली हॉलो शाफ्ट भी तो सस्टेन कर रहा है, इसी पी लोड को अल्टीमेटली हॉलो शाफ्ट भी तो सस्टेन कर रहा है। जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम्स नहीं बनाओगे तब तक आपको ये बात रियलाइज नहीं होगी दैट डिस्क पर अगर सेंटर पर पी लगाया है आपने तो नेचुरली पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो आउटर पेरिफेरी पर डेवलप होगा वो भी तो पी होगा। डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर डिस्क को आपने पी फोर्स लगाकर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की तो ये जो रिएक्टिव फोर्स होगा ये रिएक्टिव फोर्स भी टोटल रिएक्टिव फोर्स भी पी होगा सर। लेकिन ये दो है ना तो P/2 P/2 हो जाएगा, तब तुम समझ ही नहीं पाए, तब तुम गलत ब्रांच में आ गए। देन वो राहुल ने बोला था ना कर, तो कर कर में होना चाहिए था फिर तुम्हें, तब तुम समझ ही नहीं पाए। यहां दो पी नहीं है क्योंकि ये दो अलग अलग मेंबर नहीं है, ये पूरा हॉलो शाफ्ट एक मेंबर है। दिस होल हॉलो शाफ्ट इज वन मेंबर सराउंडिंग होल सॉलिड शाफ्ट। ये हॉलो शाफ्ट लाइक पेन एंड कैप, ना लाइक पेन एंड इट्स आउटर केसिंग, पेन की रिफिल सॉलिड शाफ्ट की तरह है और पेन की आउटर केसिंग जो है वो हॉलो शाफ्ट की तरह है। सो हॉलो शाफ्ट पूरा एक है और उसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा उसकी वजह से जो डिस्क पर रिएक्शन लग रहा होगा, तो अब आप बता दो मुझे अगर हॉलो शाफ्ट की वजह से डिस्क पर रिएक्शन है पी, तो आप बता दो मुझे दैट डिस्क की वजह से हॉलो शाफ्ट पर कितना, डिस्क की वजह से हॉलो शाफ्ट पर कितना फोर्स फील होगा। अगर डिस्क पर पहले सॉलिड शाफ्ट ने अप्लाई किया, नेचुरली डिस्क इक्विलिब्रियम में है तो उतना ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा होगा डिस्क पर, और वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया, वो रेजिस्टेंस आया इस हॉलो शाफ्ट की वजह से। और अगर हॉलो शाफ्ट ने टोटल रेजिस्टेंस दिया है पी, तो डिस्क कितना फोर्स इस हॉलो शाफ्ट पर अप्लाई कर रहा होगा, व्हाट इज द टोटल एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स द डिस्क इज अप्लाइंग ऑन दिस हॉलो शाफ्ट, अगेन पी। और इस कॉम्प्रेसिव देखो 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 इधर देखो मुझे देखो मुझे 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 देखो, इस कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से हॉलो शाफ्ट नीचे सिंक होगा, हॉलो शाफ्ट थोड़ा सा सिंक होगा और नीचे आएगा। हॉलो शाफ्ट नीचे आएगा तो उस पर बैठी हुई डिस्क नीचे आएगी, उस पर बैठी हुई डिस्क नीचे आएगी तो डिस्क के सेंटर पर अटैच्ड सॉलिड शाफ्ट नीचे आएगा, सॉलिड शाफ्ट नीचे आएगा तो एंड बी जो है वो भी उतने ही अमाउंट से नीचे आएगा। इसलिए अगर एंड बी का डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो वो सिर्फ सॉलिड शाफ्ट के इलांगेशन से नहीं होगा बल्कि हॉलो शाफ्ट के कॉम्प्रेस होने से हॉलो शाफ्ट का टॉप मोस्ट सेक्शन नीचे सिंक होगा, नीचे सिंक होगा तो उस पर रखी हुई डिस्क नीचे सिंक होगी, उस पर रखी हुई डिस्क नीचे सिंक होगी तो उसके सेंटर पर अटैच्ड सॉलिड शाफ्ट नीचे सिंक होगा, सेंटर पर अटैच्ड सॉलिड शाफ्ट नीचे सिंक होगा तो भी तो एंड बी उतने ही अमाउंट से सिंक होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज द हॉलो शाफ्ट इज गोइंग टू सिंक बाय सर्टेन अमाउंट, naturally the disc will come down by that much amount. As the disc will come down by that much amount, solid shaft will come down by that much amount. Hollow shaft ke compress hone ke karan disc niche ki taraf jitna sink hogi, jitna dubegi, utna hi uske center par attached solid shaft bhi to dubega. Aur isliye अगर B पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये 6PL अपॉन E पाई D स्क्वायर में आप एक वैल्यू और ऐड करेंगे और वो है कितना हॉलो शाफ्ट नीचे खिसका।
how much hollow shaft is kicking downward. My dear friends, first value is 6PL upon E pi D square. And hollow shaft pe bhi load to P hi hai na. Load on hollow shaft is also P. And hollow shaft ka length hai L. Hollow shaft ka elasticity hai 2E. Aur hollow shaft ka area ho jayega pi by 4 into outer dia ka square. Outer dia ka square minus inner dia ka square. Minus inner dia ka square. Simplify kar lo sir. 50 by 7 ara. It is coming 50 by 7 आ रहा है. अच्छा ठीक है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. सो 50 पी एल डिवाइडेड बाई 7 ई पाई डी स्क्वायर. 7 ई पाई डी स्क्वायर. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर दोस्त. कनेक्टेड मेंबर्स में कुछ भी नहीं है अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो. There is absolutely nothing in the connected members if you know how to draw free body diagram. If you know how to draw free body diagram, then you can easily tackle with connected members always. ऐसा कुछ है नहीं इनमें. You can easily tackle them अगर आपको ये मालूम हो कि free body diagram कैसे draw करना है. ये बढ़िया problem है. This one is one really good problem. Okay, ध्यान से समझियो दोस्त. सबसे पहले तो ज्वाइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर क्या पूछा गया है. एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी रिलेटिव टू ए वुड बी. अगर दोनों ई लेते तो बी आता. ओके 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 ओके. ये लोड के कारण दोनों वायर्स में कुछ टेंशन डेवलप हो रही होगी एंड नेचुरली वायर्स में टेंशन डेवलप होगी तो वायर्स इलांगेट होंगे और वायर्स इलांगेट होंगे तो सिमेट्रिक होने के कारण ये पॉइंट ई ऐसा स्ट्रेट मूव करने वाला है. पॉइंट ए इज गोइंग टू मूव स्ट्रेट टू दिस पर्टिकुलर न्यू पोजिशन ए वन. सिमिलरली यहां पर दोनों वायर्स आइडेंटिकल हैं इसलिए दोनों बराबर बराबर इलांगेट होंगे और दोनों के इलांगेट होने से पॉइंट पी जो है वो ऐसा स्ट्रेट मूव होने वाला है सी वन पर. आपको फाइंड आउट करना है ए के रिस्पेक्ट में सी कितना टोटल इलांगेट हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नेचुरली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो जुड़ेंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर दूर दिखेंगे एक दूसरे को. हाँ एक डायरेक्शन में आ रहे होते तो सब्ट्रैक्ट होते उनके मूवमेंट क्योंकि दोनों नजदीक हो जाते. तो सी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट या ए के रिस्पेक्ट में सी का डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये दोनों ही मूवमेंट जुड़ने वाले हैं. बोथ दीज मूवमेंट्स आर गोइंग टू गेट एडेड. बोथ दीज मूवमेंट्स आर गोइंग टू गेट एडेड. एंड क्योंकि आइडेंटिकल है नेचुरली दोनों ही इक्वल होंगे इसलिए बेटर होगा कि हम टू टाइम्स डेल्टा सी कर दें. लेट्स डू टू टाइम्स डेल्टा सी. इसका मतलब अब किसी एक तरफ हमें फाइंड आउट करना होगा. एनी वन साइड वी विल हैव टू फाइंड आउट. बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान से समझियो. ये इतना सी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है. हालांकि हमारा आंसर वो नहीं है, हमारा आंसर है टू टाइम्स दैट. सी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में उसका डबल होगा और इसलिए डेल्टा सी फाइंड आउट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पहले हम सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और एक एक वायर में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे.
First of all, we are going to make the free body diagram of C. Then we are going to calculate the force developing in each wire. Let's say the force developing in each wire is T and T. Naturally, this is alpha and this is alpha. And agar main isko x mein act karne wale sare forces ko balance kar dun, to mujhe mil jayega T cos alpha plus T cos alpha is equal to P. I'm going to get T cos alpha plus T cos alpha is equal to P. So I'm going to get T is equal to P upon 2 cos alpha. T is equal to P upon 2 cos alpha. Dost, ye C ka axial, ye C ka jo displacement hai horizontal axis ke along, ye kitna hua hai wo to mujhe nahi pata. Lekin agar ek wire mein kitna टेंसाइल लोड है वो मुझे मालूम है, तो मैं बड़े आराम से वायर कितना इलॉन्गेट होगा ये कैलकुलेट कर सकता हूं. आई कैन कैलकुलेट हाउ मच वायर विल गेट इलॉन्गेटेड. आई कैन कैलकुलेट द इलॉन्गेशन ऑफ वायर वेरी इजीली. मैं वायर का इलॉन्गेशन कैलकुलेट कर पाऊंगा. सो लेट अस कैलकुलेट द इलॉन्गेशन ऑफ द वायर. नहीं सर, लेकिन वो नहीं पूछा है ना आपको, ए के रिस्पेक्ट में सी का मूवमेंट पूछा है. हाँ 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 हाँ, ये वैसा ही प्रॉब्लम है. तो दोस्त पहले वायर का इलॉन्गेशन क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं. वायर का इलॉन्गेशन होगा थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वायर की. हर वायर की दी हुई है एल. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. लेंथ दी हुई है एल, इलास्टिसिटी ई और एरिया ए. पी की वैल्यू आपको मिल चुकी है पी अपॉन कॉस अल्फा. सो ये हो जाएगा टू ई ए कॉस अल्फा. क्या ये वायर का इलॉन्गेशन डेल डेल सी जो आपने लिखा है वो है? इज दिस इलॉन्गेशन ऑफ वायर सेम थिंग एज यू हैव रिटन डेल्टा सी? इज दिस इलॉन्गेशन ऑफ वायर सेम थिंग एज यू हैव रिटन डेल्टा सी? नो 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 नो. डेल्टा सी वो नहीं है. तो पहले इस डायग्राम में हमें मार्क करना होगा कि वायर का इलॉन्गेशन है कहां. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मार्क इन द डायग्राम दैट वेयर एग्जैक्टली दैट इलॉन्गेशन ऑफ द वायर इज. इसको टेक्निक समझ लो. इनिशियल पोजीशन से फाइनल डिफॉर्म्ड लेंथ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया करना. इनिशियल पोजीशन से फाइनल डिफॉर्म्ड लेंथ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया करना. और फिर आपको ये डिफॉर्म्ड लेंथ, फिर आपको फाइनल लेंथ का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा ये रिप्रेजेंट करेगा उस वायर या उस रॉड का इलॉन्गेशन. इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल आपको मालूम है अल्फा और आपको वो ग्रीन वाली लेंथ ऑलरेडी मालूम पड़ चुकी है, तो वो रेड वाली लेंथ नहीं मालूम कर लोगे क्या? बोलो. अगर ये जी पॉइंट मालूम है, तो इन दिस ट्राइंगल माई डियर फ्रेंड्स सी टू सी वन एंड देन सी टू जी इज परपेंडिकुलर ऑन सी वन टू जी एंड आई नो दिस एंगल इज अल्फा. सो आई कैन इजिली रिलेट दिस डेल्टा एल ऑफ द वायर विद डिजायर्ड मूवमेंट दैट इज सी टू सी वन. वायर के इस डेल्टा एल को मैं उससे रिलेट कर सकूंगा. ध्यान से समझियो. नेचुरली ये डेल्टा एल ऑफ द वायर इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है और ये सी से सी वन की जो डिस्टेंस है ये उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है. सो डेल्टा एल ऑफ वायर इज द बेस एंड दैट सी टू सी वन मूवमेंट इज हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस अल्फा. आपको मिल जाएगा डेल्टा एल वायर इज इक्वल टू, इनफैक्ट सी सी वन इज इक्वल टू डेल्टा एल वायर अपॉन कॉस अल्फा. सी से सी वन तक का मूवमेंट आपको मिलेगा डेल्टा एल वायर अपॉन कॉस अल्फा. डेल्टा एल वायर आपको पहले से मालूम है टू एल अपॉन पी एल अपॉन टू ई ए कॉस अल्फा. So, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा. लेकिन क्या ये आंसर है?
फिर वो अल्फा कैसे, अरे आता हूं उस पर, मुझे पता है कि वो पूछेंगे लोग। फाइनल आंसर ये नहीं होगा, फाइनल आंसर होगा सी पर, ए के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, और वो डेल्टा सी का डबल है तो टू कैंसिल हो जाएगा एंड आपको मिलेगा सिंपली पी एल अपॉन ई ए कॉस स्क्वायर अल्फा, पी एल अपॉन ई ए कॉस स्क्वायर अल्फा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कूल, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, पी एल अपॉन ई ए कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से आपको मिल गया। अब किसी ने पूछा है ये अल्फा कैसे रह जाएगा, बेटा आप मैकेनिक्स नहीं कर रहे हो, आप वाइब्रेशंस नहीं कर रहे हो, आप सोम कर रहे हो, और सोम में एक अजम्पशन हमेशा याद रखना, डिफॉर्मेशंस आर वेरी 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 स्मॉल। सोम में एक अजम्पशन याद रखना, डिफॉर्मेशंस आर वेरी 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 स्मॉल, और इसलिए वायर्स सी से सी वन का जो गैप है वो इतना नेग्लिजिबल है कि वायर्स का एंगल नेग्लिजिबली चेंज हुआ होगा, दैट वायर्स आर सो स्ट्रांग, सो मच इलास्टिक दैट देयर एंगल्स विल नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। मैं आपको ले चलता आज के चौथे डिस्कशन पर। ये सही है, डिस्कशन आफ्टर डिस्कशन आफ्टर डिस्कशन आफ्टर डिस्कशन गेटिंग ओवर, जबरदस्त। मैं आपको ले चलेगा आज के चौथे डिस्कशन पर। चौथा डिस्कशन क्या है? चौथा डिस्कशन है कि कई बार ऐसा होगा आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे मेंबर आ जाएंगे, समटाइम्स यू आर गोइंग टू गेट सच स्ट्रक्चर्स और सच मेंबर्स, सच स्ट्रक्चर्स और सच मेंबर्स दैट अगर आप सिर्फ इक्विलिब्रियम यूज करके इसे सॉल्व करना चाहो तो काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप इक्विलिब्रियम यूज करके इसे सॉल्व करना चाहोगे, तो आपको एक इक्वेशन और दो अननोन्स दिखेंगे। एग्जैक्टली, तो इक्विलिब्रियम से ये सॉल्व नहीं हो सकता। सर आपने अभी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं कंसिडर किया है तो आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि तुम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लो, बहुत सही, और जो मिल जाए लेकर सॉल्व कर लेना। मुझे तो नहीं दिखता कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो से कुछ मिलेगा, मोमेंट बैलेंस करने से भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे फोर्सेस को लीनियर है, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर को लीनियर, देयर फोर बैलेंसिंग मोमेंट्स इवन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो यू आर गोइंग टू गेट इक्विलिब्रियम आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू बी, एंड वन इक्वेशन टू अननोन्स यू कैन नॉट सॉल्व इट, वन इक्वेशन एंड यू हैव टू अननोन्स यू जस्ट कैन नॉट सॉल्व इट। द प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैटिक्स के मेथड से इनकेपेबल हो आप सॉल्व करने में, तो इनकेपेबल हो डिटरमाइन करने में, ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको काम आएगा इक्विलिब्रियम के साथ साथ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी क्या है? कंपैटिबिलिटी है डिफॉर्मेशंस को, डिफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं से एक रिस्ट्रिक्शन दिखेगा आपको। यू विल सी सम रिस्ट्रिक्शन ओवर डिफॉर्मेशंस, यू विल सी सम रिस्ट्रिक्शन ओवर डिफॉर्मेशंस। कंपैटिबिलिटी इज नथिंग बट some kind of constraint over deformations. Compatibility kya hai? Compatibility hai some kind of constraint over deformations. Jaise yahan par is example mein compatibility hoga overall delta L is equal to zero. Ab overall delta L ho jayega either side is the concept. So, पहले सेगमेंट पे लोड है R1, लेंथ है L1, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E1 और एरिया है A1। फिर दूसरे सेगमेंट में बच्चा दूसरे सेगमेंट में
लोड है माइनस आर टू, इन द सेकेंड सेगमेंट लोड इज माइनस आर टू एंड लेंथ इज एल टू एंड डिवाइडेड बाई ई टू इंटू ए टू इज इक्वल टू जीरो. आर1 आर2 में एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम ने दी थी आपको, आर1 आर2 में एक इक्वेशन आपके पास और है और वो आपने कंपैटिबिलिटी से हासिल की है. इन आर1 आर2 यू ऑलरेडी हैड वन इक्वेशन यूजिंग इक्विलिब्रियम एंड देन नाउ यू हैव वन मोर इक्वेशन यूजिंग कंपैटिबिलिटी. नाउ यू हैव वन मोर इक्वेशन यूजिंग कंपैटिबिलिटी. कोई भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम होगी तो उसे आप कैसे सॉल्व करने वाले हो? सर हमें पता कैसे चलेगा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है? सर हेलो, हमें पता कैसे चलेगा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है? जब भी सुनो, ध्यान से समझियो. जब भी किसी स्ट्रक्चर को जितने सपोर्ट दिए जाने चाहिए थे जस्ट रिजिड करने के लिए, उससे ज्यादा सपोर्ट्स दे दिए आपने, मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो जाएगा. किसी स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए एक फिक्स सपोर्ट काफी है, लेकिन आपने दो फिक्स सपोर्ट दिए यहां पर. वन फिक्स सपोर्ट इज एनफ बट यू हैव गिवन टू फिक्स सपोर्ट्स. डू रिमेंबर दिस, जब भी किसी स्ट्रक्चर को जितने सपोर्ट्स चाहिए होते थे सस्टेन करने के लिए, उससे ज्यादा सपोर्ट दे दोगे आप, मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो एक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में बदल जाएगा. इट विल चेंज इनटू स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. ध्यान से समझियो. और इस तरह से कोई भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो, आप तो बस ये किलर कॉम्बिनेशन याद रखो, इक्विलिब्रियम प्लस कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी प्लस इक्विलिब्रियम. और ये कोई सिर्फ एक्सियल लोडिंग की बात नहीं है, ये पूरे सोम सब्जेक्ट में ये कॉम्बिनेशन चलने वाला है. इन होल सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स this combination is going to work. Equilibrium plus compatibility, compatibility plus equilibrium, equilibrium plus compatibility, compatibility plus equilibrium, equilibrium plus compatibility, compatibility plus equilibrium, equilibrium plus compatibility, compatibility plus equilibrium. Solve karte hain ek problem based on this. A hollow rod is supported on a spring as pictured. Mass of rod as well as that of the spring is negligible due to the load F. Due to the load F, stress in hollow rod would be due to the load P actually. Sorry. Ye P hi hai, ye. I don't know why it has got hidden. To yahan junction pe humne ek load apply kar diya hai P. Isse pehle ki aap stress calculate kar sakein. ऐसी प्रॉब्लम्स में वैसे ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्ट्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि पहले आप रिएक्शंस कैलकुलेट कर लें. बिफोर यू गो अहेड एंड कैलकुलेट स्ट्रेसेस, आई वुड रिकमेंड दैट फर्स्ट यू कैलकुलेट द रिएक्शन वैल्यूज. व्हाट डू यू कैलकुलेट? यू कैलकुलेट द रिएक्शन वैल्यूज. यहां पे पी को अपोज करने के लिए रिएक्शंस डेवलप होंगे R1 और R2. नेक्स्ट पेज पे करें. यहां पे इस लोड P को अपोज करने के लिए रिएक्शंस डेवलप होंगे यहां R1 और यहां R2. और एक आप इक्विलिब्रियम लिखने वाले हो. इक्विलिब्रियम कहता है सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए. अगर सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, आप देख सकते हो R1 अप और R2 अप, R1 अप और R2 अप और P डाउन. तो एक इक्वेशन तो बेटा ये मिल गया आपको, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P. दूसरा इक्वेशन आपको कंपैटिबिलिटी से मिलेगा. सेकंड इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम कंपैटिबिलिटी. सो व्हाट इज कंपैटिबिलिटी हियर? कंपैटिबिलिटी इज कि ठीक है,
ये ए बी सेगमेंट या ए बी मेंबर थोड़ा सा इलांगेट होगा और बी सी मेंबर थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा, लेकिन क्योंकि दोनों टॉप और बॉटम पर फिक्स सपोर्ट है तो टॉप और बॉटम पर फिक्स सपोर्ट के बीच में ओवरऑल लेंथ में कोई चेंज नहीं हो सकता. ओवरऑल लेंथ कैन नॉट चेंज. और इसमें अभी कोई कमेंट में आकर अगर बोला कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हॉलो मेंबर में चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ, तो मैं उसको तुरंत फेंक के एक तीन सेगमेंट वाला मेंबर फेंक के मारूंगा. मैं बता रहा हूं, अगर किसी ने इसमें आके मुझे राय बहादुर बनने की कोशिश की, रैंकाइन ट्रेस्का सेंट वेनेंट हेफ एंड वन माइसिस बनने की कोशिश की कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि उस हॉलो रॉड का इलांगेशन इज इक्वल टू स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन, तो मैं कसम से बता रहा हूं मैं एक तीन सेगमेंट वाला मेंबर फेंक के तुरंत मारूंगा कि मैंने जो फंडा आपको बताया है वो फंडा कभी भी वर्क करेगा, चाहे फिर उसमें जितने भी सेगमेंट क्यों ना हो, नो मैटर हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर. डेल्टा एल ओवरऑल को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल ऑफ हॉलो रॉड प्लस डेल्टा एल ऑफ द स्प्रिंग. ओवरऑल डेल्टा एल कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. नाउ डेल्टा एल ऑफ द रॉड इज गोइंग टू बी रॉड पे कितना लोड कितना लोड कितना लोड कितना लोड कितना लोड रॉड पे कितना लोड कितना लोड कितना लोड रॉड पे लोड है आर वन. ऑन द रॉड लोड इज आइदर साइड इज द कंसेप्ट. तो रॉड पे लोड है आर वन, लेंथ है एल, इलास्टिसिटी है ई और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए. स्प्रिंग पे कितना लोड है, स्प्रिंग पे लोड है आर वन माइनस पी. हाउ मच इज द लोड ऑन स्प्रिंग, लोड ऑन स्प्रिंग इज आर वन माइनस पी. How much is the load on spring? Load on spring is R1 minus P. ध्यानम से समझियम. सर स्प्रिंग पर लोड को मैं माइनस R2 भी तो लिख सकता हूं. आप अगर पहली इक्वेशन पर नजर मारें, हां सुमित मुझे आपका मेल मिला है और आपका मैसेज भी मिला है, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, डोंट वरी सुमित, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, डोंट वरी. हा सो स्प्रिंग पर फोर्स माइनस आर टू भी तो लिख सकता हूं मैं. अगर आप पहली इक्वेशन देखें तो माइनस आर टू और आर वन माइनस पी एक्चुअली अलग अलग नहीं है, और आइदर साइड तो आइदर साइड से वर्क करना चाहिए, इसलिए आप स्प्रिंग पर फोर्स को चाहे आर वन माइनस पी लिखिएगा या माइनस आर टू लिखिएगा, बात बराबर है. Whether you write the force on spring as R1 minus P or you write the force on spring as minus R2, they both are equal things. And spring ke liye no L and E A, spring ke liye seedhe seedhe force upon stiffness. Yahan se aapko R1 value mil jawegi. Ek bari R1 value mil gayi. Ek bari R1 value mil gayi to aapko pata hai that hollow shaft par, hollow rod par net load hi hai R1. तो उसको एरिया से डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें डेवलप होने वाला स्ट्रेस. ऑन दिस हॉलो रॉड नेट लोड इज नथिंग बट आर वन ओनली, सो यू कैन डिवाइड इट बाय, यू कैन डिवाइड इट बाय एरिया. Stress in the rod will become R1 divided by area. बताना बेटा क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है R1 divided by KL by E plus A. इसलिए कैसा भी देखो problems में हमेशा कुछ ना कुछ newness डाली जा सकती है. Problems संगीत है और इसलिए जो लोग books से PYQs से कॉपी कर करके क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, मैं मानता हूं वो संगीतज्ञ नहीं है, मैं मानता हूं कि वो म्यूजिशियंस नहीं है, क्योंकि जो म्यूजिशियन है वो हमेशा एक नया म्यूजिक क्रिएट कर देगा.
सुर वही साथ है सारे गामा, कंसेप्ट नहीं चेंज हो सकता, लेकिन सुनने में एक अलग बीट, एक अलग धुन, एक अलग ताल आपको लगेगी। वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ न्यूनेस हमेशा डाली जा सकती है। मैं 1000 प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा और उसके बाद 1001वीं प्रॉब्लम आपको दे दूंगा, और इसलिए प्रॉब्लम्स के टाइप रटने से कुछ नहीं होगा। नए क्वेश्चंस, नए दिखने वाले क्वेश्चंस को टैकल करने की हिम्मत लानी होगी, वो टेंडेंसी डेवलप करनी होगी। यू विल हैव टू डेवलप दैट टेंडेंसी ऑफ फेसिंग न्यू प्रॉब्लम्स। हाउ अबाउट दिस वन, अ कंक्रीट कॉलम इज रिइंफोर्स्ड बाय फोर स्टील रॉड्स सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच स्टील रॉड इज 300 mm square। इलास्टिसिटी स्टील का गिवन है 200 GPa, कंक्रीट का गिवन है 25 GPa। अंडर कंप्रेसिव लोड अप्लाइड एट द टॉप द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन ईच स्टील रॉड इज फाउंड टू बी 13.04 kN। द लोड अप्लाइड वाज, कितना लोड अप्लाई किया गया था? अगेन, जिसको स्टैटिकली इंडिटरमिनेट मेंबर्स की समझ है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कॉम्प्रेसिव लोड आप अप्लाई करोगे उस कॉम्प्रेसिव लोड को रेजिस्ट करने के लिए दो लोग हैं। एक है कॉन्क्रीट, एक सर्टेन कॉम्प्रेसिव एक्शन डेवलप कर रहा होगा, और दूसरा उसको रजिस्ट करने के लिए स्टील रॉड्स भी तो एक कॉम्प्रेसिव एक्शन डेवलप कर रहे होंगे। स्टील रॉड्स देमसेल्व्स मस्ट बी डेवलपिंग सम कॉम्प्रेसिव एक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट बिकम्स अ कंपाउंड बार। आपको कंपाउंड बार का फॉर्मूला मालूम है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मालूम है और भी अच्छी बात है, क्योंकि फंडामेंटल्स हैं। आप फॉर्मूला रटकर फंडामेंटल्स को बीट नहीं कर सकते। सो दिस इज स्टील रॉड, दिस इज स्टील रॉड, दिस इज स्टील रॉड, एंड ईच वन ऑफ देम इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। सारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कहता है दैट आपने जो भी एक्शन अप्लाई किया है वो पूरा का पूरा रजिस्ट होना चाहिए, पूरा का पूरा रजिस्ट होना चाहिए। एफ कॉन्क्रीट, सर्टेन फोर्स कॉन्क्रीट रजिस्ट करेगा, और ईच स्टील रॉड में दिया हुआ है तो 4 स्टील रॉड है, तो सर्टेन फोर्स हर स्टील रॉड रजिस्ट कर रहा होगा, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नाउ ये एक पैरेलल असेंबली है, तो टॉप पर जो भी माउंटिंग होगी वो माउंटिंग एक साथ नीचे आएगी। द माउंटिंग एट द टॉप विल कम डाउन टुगेदर। ओके, सो गाइज, कॉन्क्रीट एंड स्टील टुगेदर दे आर रजिस्टिंग द टोटल फोर्स एफ, एंड कॉन्क्रीट एंड स्टील दे आर हैविंग अ कॉमन माउंटिंग एट द टॉप, एंड दैट कॉमन माउंटिंग विल कम डाउन टुगेदर। So compressing steel and concrete by equal amounts. What is the compatibility here? Compatibility here is that concrete में उतना ही elongation या deformation होगा जितना deformation हर steel rod में होगा। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा स्टील 1 इज इक्वल टू डेल्टा स्टील 2 इज इक्वल टू डेल्टा स्टील 3 इज इक्वल टू डेल्टा स्टील 4। यू कैन राइट इट लाइक डेल्टा स्टील 1 इज इक्वल टू डेल्टा स्टील 2 इज इक्वल टू डेल्टा स्टील 3 इज इक्वल टू डेल्टा स्टील 4। नाउ एफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ बराबर है अपॉन इलास्टिसिटी गिवन है कॉन्क्रीट के लिए। इलास्टिसिटी इज गिवन फॉर कॉन्क्रीट एज 25 GPa, और कंक्रीट का एरिया होगा 100/100, तो इलास्टिसिटी गिवन है 25 GPa, जिसे मैं मेगापास्कल में चेंज करूंगा, और कंक्रीट का एरिया है 100 × 100। और अगर आपने ऐसा किया
भाई साहब यहां पर कोई ना कोई ऑप्शन ट्रैप लेकर बैठा हुआ है और वो आपको करेगा ट्रैप। एनी वन ऑप्शन इज हैविंग, वो आपको ट्रैप करने वाला है। आप फटाफट ट्रैप होने वाले हो अगर आपने कंक्रीट का एरिया ले लिया 100 × 100। व्हाई? बिकॉज कंक्रीट के उस 100 × 100 में 300 mm² के होल हैं। एग्जैक्टली सो इससे आपको 4 × 300 रिमूव करना होगा इज इक्वल टू फोर्स इन ईच स्टील रॉड मल्टीप्लाइड बाय सेम लेंथ अपॉन स्टील इलास्टिसिटी इज 200 GPa, सो 200,000 MPa एंड स्टील एरिया इज हाउ मच? स्टील एरिया इज 300। यहां से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स। आप स्टील में फोर्स गिवन है इसलिए स्टील के लिए सॉल्व कर लो, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एफ। आपसे पूछा गया है टोटल अप्लाइड फोर्स कितना होगा, सो टोटल अप्लाइड फोर्स हो जाएगा स्टील अपॉन समथिंग। दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द टोटल अप्लाइड फोर्स, सो दैट टोटल अप्लाइड फोर्स विल बिकम द फोर्स इन स्टील डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग, डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। बताओ 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 सभी लोग जल्दी से बताओ क्या मिलता है आपको। बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हम फटाक से बढ़ने टॉर्सनल लोडिंग की तरफ। कहीं और से पढ़ा हो तो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं एकदम। मैंने तो बोला ही था कि बाबा जब आप मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब आप रियलाइज करोगे कि अब आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो डोंट वरी, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन तो आपको अच्छी जगह से प्रैक्टिस करने ही चाहिए। 99.9733। ओके सो एफ वैल्यू आई एम गेटिंग एज 100 kN। तो बिल्कुल बेझिझक क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं जो वैरायटी कवर करता हूं उसमें आपका एक एक पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगा। मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप जब गेट में बैठे होंगे तो 70% क्वेश्चंस इस सिमिलर टाइप आपके देखे हुए होंगे। इतने क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, इतने क्वेश्चंस करवाए हैं दैट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और उसके बाद डेली क्विजेज और उसके बाद DBPs और उसके बाद अभी ये प्रैक्टिस सेशंस प्लस टेस्ट्स, सब मिला के इतने क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। और ऐसा भी नहीं कि फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जिनमें जिनसे एक्चुअली आपके कंसेप्ट बिल्ड हो। वी मूव टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ डिस्कशन टुडे। वी मूव टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ डिस्कशन टुडे। आज के डिस्कशन के पांचवें पार्ट पर चलते हैं। When you are going to solve the test papers, before that give us some time to solve the question by ourselves. नहीं, again, you have attempted na, so retake those tests before coming into the session. You are on www.unmatchable.in. In fact, test solutions will be done through live sessions on website only. Test ke solutions jo hain wo, test solutions will be done here only. तो वहां पर ऑफलाइन में, मतलब बाद में भी टेस्ट आप दे सकते हो, लाइव के बाद भी, तो आप रीटेक करते रहो। जब जिस टेस्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा आप उसको सॉल्व करके आओ सेशन में। हाँ वहां तो रेज हैंड भी है हमारे पास, आप रेज हैंड करके कुछ पूछ भी सकते हो, बोल भी सकते हो, और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं चैट डिसेबल कर सकता हूं, है ना।
चलो आज के पांचवें डिस्कशन पर चलते हैं, और पांचवा डिस्कशन है टॉर्सनल लोडिंग में लोड और स्ट्रेस के बारे में बातें करना। टॉर्सनल लोड और टॉर्सनल स्ट्रेस के बारे में बातें करना। लेट अस नाउ टॉक अबाउट टॉर्सनल लोड एंड टॉर्सनल स्ट्रेस। ध्यान से समझियो। अरे जैसे एक्सियल लोडिंग था इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट, वैसे टॉर्सनल लोडिंग है इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट। जैसे एक्सियल लोडिंग में दो पॉसिबिलिटीज होती थी, एक दोनों फोर्सेस बाहर जाते हुए दिखे, दूसरी दोनों फोर्सेस अंदर आते हुए दिखे, वैसे टॉर्सनल लोडिंग में भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक राइट हैंड थंब बाहर जाते हुए दिखे, दूसरा राइट हैंड थंब अंदर आते हुए दिखे। सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद डीपीपी के सॉल्यूशंस, डीपीपी के सारे सॉल्यूशंस देखो वही है कि मैं प्रॉमिस ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैं कर नहीं पाऊं, लेकिन हाँ जब मैं टेस्ट के सॉल्यूशंस करवाऊंगा मैं पोल रन कर लिया करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, भाई जिनको टिपिकल क्वेश्चंस चाहिए हो सॉल्यूशंस बता दो, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके सुट, जैसे एक्सियल लोड था इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, वैसे ही टॉर्सनल लोड होगा इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। जैसे एक्सियल लोड में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, एक जब फोर्सेस दूर जाते हुए दिखें और दूसरा जब फोर्सेस एक दूसरे के तरफ आते हुए दिखें, वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक जब राइट हैंड थंब बाहर की तरफ जाता हुआ दिखे और दूसरी पॉसिबिलिटी जब राइट हैंड थंब अंदर की तरफ आता हुआ दिखे। एक को लोगों ने पॉजिटिव कह दिया, दूसरे को लोगों ने नेगेटिव कह दिया। एक को लोगों ने पॉजिटिव कह दिया, दूसरे को लोगों ने नेगेटिव कह दिया। वन इज पॉजिटिव, भीड़ का हिस्सा नहीं हो तुम, सॉल्व डीपीपी योरसेल्फ। वेंकट, क्या ही तो बात है, इट्स एक्चुअली मोटिवेटिंग। एंड लेट मी शेयर गुड न्यूज विद यू गाइज, A poem is coming with the same lines. Bheed ka hissa nahi ho tum. I have penned down a full poem with this same theme. Bheed ka hissa nahi ho tum. And ye main koi motivate karne ke liye aapko nahi kehta hu. Ye main janta hu ki nahi ho. Kyun? Kyunki jo mujhse 3-4 महीने लगातार पढ़ना सर्वाइव कर रहा है वो एक्चुअली भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकता। समवन हु इज सर्वाइविंग माय टीचिंग फॉर 3-4 मंथ्स, दैट स्टूडेंट एक्चुअली कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड।
Why? Because crowd always thinks about shortcuts. Crowd always thinks about tricks. Crowd always thinks about sir, problem solve karna ka kuch technique bata do. My learners believe in conceptual learning, believe in developing the concepts. They have patience to grow, to learn and grow. Otherwise, kahan hai logo ke paas patience? Log ek 10 minute ki YouTube video se gate crack karna chahte hain. So, main ye nahi ki aapko motivate karne ke liye kehta hoon. Aap actually alag ho. You are actually different. If you are with me learning for more than 6-7 months, you believe in conceptual learning and you, that's why you are not part of the crowd. जैसे एक्सियल लोड होता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस वैसे ही टॉर्सनल लोड होता है इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जैसे एक्सियल लोड में दो पॉसिबिलिटीज हैं एक फोर्सेस गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर दूसरा फोर्सेस कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में दो पॉसिबिलिटीज हैं अरे देखो तो घुमा के देखो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमा के पहली पॉसिबिलिटी में आप चाहे लेफ्ट पर देखोगे या फिर राइट में देखोगे आपको राइट हैंड थंब बाहर जाता हुआ दिखेगा देखो पहली पॉसिबिलिटी में राइट हैंड फिंगर्स को ट्विस्टिंग मोमेंट के सेंस में घुमा के इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी यू ट्राई रोटेटिंग योर फिंगर्स इन द सेंस ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट And you will see the right hand thumb going away from the section. Similarly, in the second possibility, you try rotating the right hand fingers in the sense of the twisting moments, and your thumb, right hand thumb, will go towards the section. Teesri baat. किसी भी सेक्शन पर टॉर्सनल लोड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे जैसे एक्सियल लोड्स कैलकुलेट करते थे एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम वैसे ही एक तरफ से आने वाले सारे ट्विस्टिंग मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम जैसे एक्सियल लोड के कारण एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है लोग सोम में टॉर्सनल लोडिंग लास्ट में पढ़ाते जाकर एंड आई पिटी देम पिटी मतलब पिट्टी करने वाला पिट्टी पिट्टी कर देने वाला पिट्टी नहीं आई पिटी देम दया के पात्र हैं ऐसे लोग एक्सियल और टॉर्सनल अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह हैं एक्सियल और टॉर्सनल फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा ओके नहीं फॉरेस्ट गंप जिसने देखी है और कई कई बार देखी है एंड देन लाल सिंह चड्ढा And you are like, what the holy hell? इतनी अच्छी मूवी को बर्बाद करने का क्यों यार मतलब कौन सा बदला लेना था यार टॉम हैंक से वैसे ही एक्सियल लोडिंग और टॉर्सनल लोडिंग है जैसे अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जस्ट लाइक अर्जुन रेड्डी एंड कबीर सिंह Similarly, there are axial loading and torsional loading. खासकर loading तो एकदम similar है. हाँ, loading में जो concepts आपने सीखे, जैसे axial loading को resist करने के लिए किसी section पर कुछ internal force of resistance develop होते हैं, जो इस axial load के opposite होते हैं, जो इस axial load के opposite होते हैं, और इसलिए उन्हें stress के इसलिए उन्हें एरिया के परपेंडिकुलर डेवलप होते हुए देखा गया वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में आपके एक्शन को रेजिस्ट करने के लिए
किसी भी सेक्शन पर एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, लेकिन क्योंकि आपका एक्शन एक स्लिपिंग टेंडेंसी है, बिकॉज योर एक्शन इज लाइक अ स्लिपिंग टेंडेंसी, बिकॉज योर एक्शन इज नॉट ट्राइंग टू इलांगेट द मेंबर, नॉट ट्राइंग टू कंप्रेस द मेंबर, बट योर योर एक्शन इज ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सेक्शंस. देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, दिस सेक्शन विल हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. That tendency will be resisted by developing a clockwise stress. This stress will be along the area, and the stress developing along the area is known as shear stress tau. जैसे axial loading में आपने सीखा कि stress का एक distribution होगा, हालांकि वो uniform था. हालांकि वो यूनिफॉर्म था, टॉप से लेकर बॉटम तक किधर भी कैलकुलेट करोगे इक्वल 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 वैल्यू. वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ेगा. दैट ठीक है, टॉर्सनल लोडिंग के कारण एक शियर स्ट्रेस टाउ डेवलप होगा, लेकिन वो टाउ कैसे चेंज हो रहा होगा, बट हाउ एग्जैक्टली दैट टाउ विल बी चेंजिंग. ठीक है, टॉर्सनल लोडिंग के कारण एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ टॉर्सनल लोडिंग सम शियर स्ट्रेस इज डेवलपिंग, आई एग्री, ओके कूल, बट हाउ दैट शियर स्ट्रेस विल बी, उस शियर स्ट्रेस एरिया के एक 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 पॉइंट पर कैसे चेंज हो रहा होगा, how that shear stress will be changing from one point to another point to another point to another point to another point of one given area. My dear friends, aap jante ho rotational action mein center par hone wale displacements minimum hote hain aur periphery par hone wale displacements maximum hote hain. Isliye jab displacements linearly change ho rahe honge तो उनको रजिस्ट करने के लिए जो टेंडेंसी डेवलप होगी वो भी लीनियरली चेंज हो रही होगी, और इसलिए सिग्मा तो यूनिफॉर्म हुआ करता था एक्सियल लोडिंग में. एक्सियल लोडिंग में सिग्मा तो एक्सियल लोडिंग में नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ और वो यूनिफॉर्म हुआ करता था. एक्सियल लोडिंग में क्या डेवलप हुआ, एक्सियल लोडिंग में नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ और वो नॉर्मल स्ट्रेस यूनिफॉर्म हुआ करता था. टॉर्सनल लोडिंग में क्या डेवलप हुआ, टॉर्सनल लोडिंग में एक शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ और ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये आर के साथ लीनियरली चेंज हुआ करेगा. इसकी वैल्यू हुआ करती थी सिंपली पी अपॉन ए, इसकी वैल्यू हुआ करेगी किसी भी आर डिस्टेंस पर, क्योंकि आर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए सम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. व्हेन विल रिमेनिंग टॉपिक ऑफ थर्मल कवर सर, when there is a gap between SOM and FM one day, SOM और FM के बीच में schedule में एक दिन का gap है ना, between SOM and FM there is one day gap in schedule, subject wise test, that day I'll take the practice session of availability, irreversibility and thermodynamic relations. So tau is equal to T by J multiplied by R. ये बिल्कुल एक लीनियर वेरिएशन है, जैसे y इज इक्वल टू mx होता है, जस्ट लाइक देयर इज y इज इक्वल टू mx, सिमिलरली दिस इज अ लीनियर वेरिएशन. क्या ही तो बात है, सच में अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह है ये पूरा. तो एक्सियल लोडिंग में क्या स्ट्रेस डेवलप होती है, नॉर्मल स्ट्रेस. टॉर्सनल लोडिंग में क्या स्ट्रेस डेवलप होती है, शियर स्ट्रेस. एक्सियल लोडिंग में जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो यूनिफॉर्म होती है, टॉर्सनल लोडिंग में जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो लीनियरली चेंज हो रही होती है आर के साथ. हमने प्रूव नहीं किया है इस चीज को, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि इसका इंट्यूशन बहुत बहुत इंट्यूटिव है. ये फील कर सकते हो आप ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ईजिली फील कर सकते हो आप ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चा कि जब आप ट्विस्टिंग अप्लाई करते हो, जब आप
ट्विस्टिंग अप्लाई करते हो तो आप एक रोटेशनल एक्शन ट्रांसमिट कर रहे होते हो, और रोटेशनल एक्शन में सेंटर पर होने वाले मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट्स जीरो होते हैं और पेरिफेरी पर होने वाले मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट्स मैक्सिमम होते हैं, और जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, जहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है वहां मॉलिक्यूल क्यों रजिस्ट करेंगे, जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रजिस्ट करेंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट सेंटर से पेरिफेरी तक बढ़ता रहता है तो रेजिस्टेंस भी सेंटर से पेरिफेरी तक बढ़ता रहता है. एज इन ट्विस्टिंग देयर इज अ रोटेशनल टेंडेंसी, एंड इफ देयर इज अ रोटेशनल टेंडेंसी सेंटर विल नॉट मूव एट ऑल बट पेरिफेरी विल हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. पेरिफेरी विल हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. सो नेचुरली इफ द डिस्प्लेसमेंट्स, मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट्स, द स्लिपिंग बिटवीन द सेक्शंस इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, naturally the resistance is also going to change from zero to maximum. The question arises, what is that maximum value? The question arises, what is that maximum value? That maximum value is what? The question arises, what is that maximum value? That maximum value will be, for solid shaft, J is pi d power 4 upon 32, and naturally the maximum value is taking place at periphery, that is when R value becomes capital R, when any general radial location actually becomes capital R, which can also be written as half of dia. आपको tau max चाहिए, R max पर जाइए, और R max अगर यहां पर रख दें आप d by 2, तो आपको मिल जाएगा 32t upon pi d cube and d by 2. एक solid shaft के लिए maximum shear stress होगा 16t by pi d cube, और develop होगा आउटरमोस्ट सर्कमफेरेंस पे, डेवलप होगा आउटरमोस्ट सर्कमफेरेंस पे. ऐसे ही एक हॉलो शाफ्ट के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो. हॉलो शाफ्ट में अंदर कोई मटेरियल नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा. इन द हॉलो शाफ्ट इनसाइड देयर इज नो मटेरियल, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रेजिस्टेंस. बेसिकली द स्ट्रेस विल स्टार्ट फ्रॉम इनर पेरिफेरी and it will go up to outer periphery. So here minimum value is not zero. Solid shaft ke case mein minimum value is zero at the center. In case of hollow shafts, minimum value is not zero. Minimum value is something, and then there is a maximum value. Aisa prove kiya ja sakta hai, aur It's a one-line job actually. Again, अगर आपको maximum चाहिए तो पहली बात तो इसका polar moment of inertia होगा pi by 32 d outer power 4 minus d inner power 4. And अगर आपको maximum चाहिए तो आपको कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा r outer पर, that is d outer by 2. You will have to go at R outer, that is D outer by 2. अगर आप इसे simplify करने वाले हो, आपको ऐसा कुछ मिलेगा. If you simplify this, you are going to get something like this. 16T D outer upon pi D outer cube, 16T upon pi D outer cube and 1 minus beta raised to 4. Where beta is what? Where beta is the ratio of inner dia and outer dia. Beta is the ratio of inner dia and outer dia. Inner dia and outer dia. Cool. Chalo ji. A shaft is subjected to varying twisting moment intensity as shown.
एक शाफ्ट पे ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया है आपने और वो ट्विस्टिंग मोमेंट्स ट्विस्टिंग मोमेंट कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है एक पैराबोलिक पैराबोलिक फॉर्मेट में. द ट्विस्टिंग मोमेंट इज चेंजिंग इन दिस पैराबोलिक फॉर्मेट. और इस तरह के वेरिंग लोड के को डिस्क्राइब करने के लिए यूजली हम पर यूनिट लेंथ लोड हमें पता होता है जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी. डिस्क्राइब सच अ वेरिंग लोड वी आर यूजली गिवन विद the length per unit, the load per unit length, and that load per unit length is known by the name intensity. और इसकी maximum intensity given है, in fact इसका description given है intensity का. Intensity is given as maximum intensity multiplied by x upon l square. And a matter. Sorry. एंड यहां पर है मैक्सिमम इंटेंसिटी. ध्यान रखना इंटेंसिटी लोड नहीं है. इंटेंसिटी इज नॉट लोड. इंटेंसिटी है लोड पर यूनिट लेंथ. इंटेंसिटी इज नॉट लोड. इंटेंसिटी इज लोड पर यूनिट लेंथ. डी पावर फोर कर दीजिए. नहीं बेटा, डी आउटर पावर फोर कॉमन हुआ और ऊपर एक डी आउटर बैठा हुआ है तो उससे वो कैंसिल हुआ. नीचे डी आउटर पावर फोर कॉमन हुआ और ऊपर एक डी आउटर बैठा हुआ है उससे वो कैंसिल हुआ. इनफैक्ट ये मैं क्लास में भी बोलता हूं कि प्लीज आप सॉलिड का फॉर्मूला याद रखें और उसी से आप हॉलो बना लेंगे. 16t बाई पाई डी क्यू. 16t बाई पाई डी क्यू. सेकेंड लाइन में. अच्छा हाँ ओके. सारी शक्तिमान चलो ये करते हैं फटाफट. लेट्स डू दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन. लेट्स हैव सम रौनक सौनक. बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर पर रुझान काफी सारे आने लगे हैं, खासकर वो एंट्रोपी वाले सेशन पे, क्योंकि मुझे पता है कि एंट्रोपी इज सच अ कूल थिंग, नो सच अ वंडरफुल थिंग. और वहां तो मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स करवाए. जब एक बार एंट्रोपी पूरा स्टोरी जो डेवलप होता है वो कोई अटेंड करेगा जिसने अभी तक नहीं अटेंड किया है तो वो समझ पाएगा कि पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना कंसेप्ट्स की स्टोरी बिल्ड करना अनमैचेबल. ये आपको गिवन है मिड लेंथ पर कैलकुलेट करना है. आइदर साइड इज द कंसेप्ट. आइदर साइड इज द कंसेप्ट. अगर यूनिट लेंथ पे टॉर्क है, ध्यान से समझियो, अगर यूनिट लेंथ पे टॉर्क है, अगर यूनिट लेंथ पे टॉर्क है टी न्यूटन मीटर पर मीटर, तो आप बता दो मुझे डीजेड लेंथ पर टॉर्क क्या हो जाएगा. डीजेड लेंथ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझियो. डीजेड लेंथ पर टॉर्क हो जाएगा टी डीजेड. ऑन द डीजेड लेंथ व्हाट विल बी द टॉर्क वैल्यू, नेचुरली टी डीजेड, है ना. एंड दिस वैल्यू इज इनफैक्ट इसको मैं जेड के टर्म्स में दे देता हूं तो और ज्यादा लॉजिकल दिखेगा. ये दिस विल बी सीमिंगली मोर लॉजिकल. सो इसको मैंने लिख दिया टी डी जेड. आई हैव रिटन दिस टी डी जेड एंड टी की वैल्यू मैं लिख दूंगा टी एम मल्टीप्लाइड बाई जेड अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी जेड. ओके सो दिस इज द टॉर्क वैल्यू एट फॉर डीजेड लेंथ.
लेकिन मुझे अगर किसी x डिस्टेंस पर टॉर्क चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ऐसी dz 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 लेंथ को सम अप कर लो, आइदर साइड इज द कंसेप्ट। अगर यूनिट लेंथ पे जो टॉर्क है उसे हम इंटेंसिटी कह रहे हैं न्यूटन मीटर पर मीटर, तो एक छोटी सी लेंथ dz लेंथ पर टॉर्क हो जाएगा t into dz। अब एक छोटी सी लेंथ पर जिसे आप डिफरेंशियल टॉर्क कह सकते हो, जिसे आप डिफरेंशियल लेंथ पर टॉर्क कह सकते हो, यू कैन कॉल इट भाई ये एक छोटी सी लेंथ पर टॉर्क है। अगर आप एक्स सेक्शन पर इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड एट एक्स सेक्शन, नेचुरली यू आर गोइंग टू सम अप द थिंग्स, नेचुरली यू आर गोइंग टू सम अप द थिंग्स बिकॉज आइदर साइड इज द कंसेप्ट। तो आप एक तरफ से आने वाले सारे ट्विस्टिंग मोमेंट्स को सम अप करने वाले हो, यू आर गोइंग टू सम अप ऑल द ट्विस्टिंग मोमेंट्स कमिंग फ्रॉम आइदर साइड ऑफ दैट सेक्शन, क्योंकि आइदर साइड इज द कंसेप्ट, आइदर साइड इज द कंसेप्ट। So what will be the twisting moment at x position? At x position, twisting moment will be the sum of all chotu, 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 chotu twisting moments from either side. लेकिन जब एक variable है तो sigma का मतलब हो जाता है integration. Sigma algebra, integration calculus, दोनों की meaning एक ही है, दोनों की meaning एक ही है, और वो मीनिंग है सम करना। सिग्मा मींस, सिग्मा आल्सो मींस समेशन, इंटीग्रल आल्सो मींस समेशन। ओके, सो दिस विल बिकम छोटू 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 टॉर्क का समेशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, छोटू टॉर्क आपको पता है टीएम अपॉन एल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर डीजेड। नेचुरली मैं एक्स लेंथ में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इसको जीरो से लेकर एक्स तक, जीरो से लेकर एक्स तक इंटीग्रेट कर दूंगा। एंड आई एम गोइंग टू गेट टीएम एक्स क्यूब अपॉन थ्री एल स्क्वायर एज द टॉर्क वैल्यू एट एक्स लोकेशन। मुझे एक्स लोकेशन पर वैल्यू मिल गई टॉर्क की, अब आप बता दो मुझे मिड लेंथ पर कितना होगा टॉर्क। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द टॉर्क एट मिड लेंथ। At mid length, torque value will be Tm L cube upon 24 L square, which is Tm L upon 24. Tau max kya hota hai bacha? Tau max hota hai 16 T by pi d cube. What is tau max? Tau max is 16t by pi d cube. Mid span पर torque मिल चुका है आपको, जिसकी value है 16 Tm into L upon 24 divided by pi d cube. उस section पर tau max मिल जाएगा, and tau max होगा 8 दूनी 16 और 8 3 24। आज के बाद से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और आप उसे बिंदास सॉल्व करने वाले हो,
क्योंकि आइदर साइड इज द कंसेप्ट. ओके, दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस इज अगेन एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस इज इंडिटरमिनेट. तो पहले मैं डिस्कस कर देता हूं एंगल ऑफ ट्विस्ट. क्या बजाया घड़ी ने? 11 चलेगा. एंगल ऑफ ट्विस्ट फटाफट डिस्कस कर देता हूं, फिर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हम लोग कल कर लेंगे. बट एग्जाम में आएगा पूरा, टेस्ट में पूरा आएगा. ओके, इन टेस्ट होल थिंग विल बी आस्क्ड. सर ये तो चीटिंग है. ना 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 ना, ये प्रैक्टिस सेशन तो बस आपको डिसिप्लिन रखने के लिए है. बाकी सबसे बड़ा पर्पस तो यही है कि आप टेस्ट दें. टेस्ट में आएगा सॉलिड वर्सेस हॉलो भी. यस, इन टेस्ट यू विल गेट सॉलिड हॉलो कंपैरिजन आल्सो, एंड इन टेस्ट यू विल गेट स्टैटिकली इंडिटरमिनेट आल्सो. आज के डिस्कशन का 6th पार्ट, आज के डिस्कशन का 6th पार्ट. जैसे एक्सियल लोडिंग में आपने देखा, जैसे एक्सियल लोडिंग में आपने देखा एक लीनियर डिफॉर्मेशन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते हुए, जैसे एक्सियल लोडिंग में आपने देखा एक लीनियर डिफॉर्मेशन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते हुए, वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में मेरे प्यारे दोस्तों एक एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा. जस्ट लाइक इन एक्सियल लोडिंग देयर वाज लीनियर डिफॉर्मेशन, Similarly, in torsional loading, there will be angular deformation. Similarly, in torsional loading, there will be angular deformation. ध्यान से समझियो, torsional loading में angular deformation होगा. आप visualize करें, A point तो fix है, लेकिन B point आपको आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, और जब बी पॉइंट आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, जब बी पॉइंट आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा तो रेडियस ओ बी वन में बदल जाएगी, और लेंथ ए बी वन में बदल जाएगी. एक एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको इस लेंथ ए बी का दिखेगा, जिसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेन, और एक एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको रेडियस ओबी का दिखेगा, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट. जस्ट इन केस इफ यू वांट टू विजुअलाइज इट इवन मोर, आई विल हेल्प यू थ्रू बिगर डायग्राम. दैट एक शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पर आपने I'll help you with a bigger diagram if you want to visualize it in a better manner. और ज्यादा अच्छे से visualize करना चाहते हो तो एक shaft, circular cross section का shaft है, जिसको एक end पर आपने कर दिया है fix. वैसे fix करना जरूरी नहीं है, In fact, real practical transmission shafts फिक्स नहीं होते. रियल प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन शाफ्ट्स आर नॉट रियली फिक्स, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू फिक्स इट. ओके, नाउ यू इमेजिन अ लाइन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द शाफ्ट. अब आप शाफ्ट की लेंथ के पैरेलल एक लाइन इमेजिन करें, और वो लाइन का एंड पर रेडियस इमेजिन करें. And let's say this is B and this is A. Naturally, जिस तरह से आप ये twisting moment apply कर रहे हो, A point fixed है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा. Point A is fixed, therefore that point will not go anywhere. But point B
प्री एंड पे है और वो प्री एंड पे जो पॉइंट है वो आपको ऐसे आगे की तरफ स्लिप होता हुआ दिखेगा. द पॉइंट बी इज एट द प्री एंड एंड इट विल बी विजिबल टू यू मूविंग फॉरवर्ड एंड गोइंग टू अ न्यू पोजीशन बी वन. पॉइंट बी जब बी वन पर जाता है तो एक साथ दो दो एंगुलर डिफॉर्मेशन होते हैं. एक एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है ए बी लाइन का ए बी से ए बी वन तक, और एक एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है ओ बी रेडियस का ओ बी से ओ बी वन तक. एज पॉइंट बी मूव्स फॉरवर्ड टू बी वन पोजिशन वी ऑब्जर्व टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली. वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइन ए बी, दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन. अनदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ the angular displacement of radius OB and that is known as angle of twist. जैसे axial loading में linear displacement या deformation को आपने लिखा था PL by EA, वैसे यहां angular twist या angular deformation को लिखोगे PL by GJ. जैसे लीनियर एक्सियल लोडिंग में आपने लीनियर डिफॉर्मेशन को लिखा था P by A dx, वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में आप अगर वेरिएबल ट्विस्टिंग मोमेंट आ गया आपके सामने. सर वेरिएबल ट्विस्टिंग मोमेंट कैसा होता है? मैं कोई स्कोप ही नहीं छोड़ता इस तरह के क्वेश्चंस का. पहले से आपको दिखाकर बैठा हुआ हूं वेरिएबल ट्विस्टिंग मोमेंट कैसा होता है. मैं इस तरह के सवालों का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ता. मैं वेरिएबल ट्विस्टिंग मोमेंट हुआ मच्छर कितनी बार बताऊं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. अलाना एस एफ डी बीएमडी बनाएंगे साथ में. जैसे मैंने आपको वेरिएबल ट्विस्टिंग मोमेंट ये दिखा रखा है, ऐसा वेरिएबल ट्विस्टिंग मोमेंट जहां एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन से चौथे सेक्शन पे अलग 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 लोड की वैल्यू डेवलप हो रही हो, वेयर the load value is different at different scenario. So just in case, agar kabhi twisting moment length ke saath change hone lag jaye ya modulus of rigidity length ke saath change hone lag jaye ya fir polar moment of inertia yani ki dia length ke saath change hone lag jaye, jaise एक्सियल लोडिंग में होता था PDX अपॉन EA, वैसे टॉर्सनल लोडिंग में हो जाएगा TDX अपॉन GJ. और जैसे एक्सियल लोडिंग में आप EA बाई L को लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस कहा करते थे, वैसे ही टॉर्सनल लोडिंग में आप GJ बाई L को टॉर्सनल स्टिफनेस कहा करेंगे. और जैसे एक्सियल लोडिंग में आप E इंटू A के प्रोडक्ट को एक्सियल लॉन्गिट्यूडिनल रिजिडिटी कहा करते थे, वैसे ही जीजे को टॉर्सनल रिजिडिटी कहा करेंगे. जस्ट लाइक इन एक्सियल लोडिंग यू हैव लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स, इन टॉर्सनल लोडिंग यू हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स. इन एक्सियल लोडिंग डेल्टा एल लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल इज गिवन एज पी एल बाई ई ए. इन टॉर्सनल लोडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन एज टी एल बाई जीजे. जो एक्सियल लोडिंग और टॉर्सनल लोडिंग को पैरेलल में पूरा 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 डिस्कस करे वो अनमैचेबल. लोड से लेकर स्ट्रेस से लेकर डिफॉर्मेशंस तक, लोड से लेकर स्ट्रेस से लेकर डिफॉर्मेशंस तक एक्सियल लोडिंग है अर्जुन रेड्डी, टॉर्सनल लोडिंग है कबीर सिंह. एक्सियल लोडिंग इज अर्जुन रेड्डी, टॉर्सनल लोडिंग इज कबीर सिंह. बोथ स्टोरीज आर प्रेटी मच वेरी पैरेलल टू ईच अदर, वेरी सिमिलर टू ईच अदर. दोनों स्टोरीज यार कितनी बार बताऊं तुम्हें, अभी दे दूंगा एक प्रॉब्लम की एक शार्प पर ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया है तो उसका आउटर 50% एरिया कितना ट्विस्टिंग मोमेंट रजिस्ट कर रहा होगा. हाँ,
अब चिपक गए दीवार पर। सच में एकदम अब दीवार पर चिपका हुआ है, वो हिल नहीं रहा कि ओ मोरी मैया जय का देख लो। हाँ नहीं तो फैन की ब्लेड पर बैठा कर कोरियोलिस एक्सपीरियंस करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, फिर बोलोगे 100-200 ले लो। इस तरह से आप एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट को गामा से रिलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। BB1 को एक तरफ मैं लिख सकता हूं गामा मल्टीप्लाइड बाई x, और BB1 को दूसरी तरफ मैं लिख सकता हूं थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर। BB1 कैन बी रिटन एज गामा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, गामा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एंड BB1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर। सो आई कैन एक्चुअली रिलेट एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड शेयर स्ट्रेन टूगेदर। एंगल ऑफ ट्विस्ट और शेयर स्ट्रेन को आपस में रिलेट कर सकते हैं अपन। BB1 जो आर्क है उसे हम एक तरफ लिख सकते हैं गामा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, आर्क इज इक्वल टू रेडियस एक्स इंटू एंगल गामा, एंड BB1 को दूसरी तरफ फिर से रेडियस इंटू एंगल से ही थीटा इंटू आर लिख सकते हैं। वंस अगेन वी कैन राइट थीटा इंटू आर। सो माई डियर फ्रेंड्स आई कैन रिलेट देम टूगेदर, गामा इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, गामा इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। चलो जी करते हैं फटाफट प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम क्विकली। अ कंपोजिट शाफ्ट ABCD इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट्स एज शोन इन द फिगर। इफ एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी रिलेटिव टू ए इज थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी रिलेटिव टू डी बताना है मुझे। अगर अहमदाबाद के रिस्पेक्ट में चंडीगढ़ में एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है तो उसके टर्म्स में मुझे भोपाल में एंगल ऑफ ट्विस्ट बताना है दिल्ली के रिस्पेक्ट में। इन टर्म्स ऑफ दैट थीटा ओनली आई हैव टू टेल द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट भोपाल। ध्यान से समझियो, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है दैट राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करके आपको राइट हैंड थंब की डायरेक्शन देखनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करके आपको राइट हैंड थंब की डायरेक्शन देखनी है। यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब। मुझे ये टूटी तो अंदर जाते हुए दिख रहा और टी जो बी पर एक्ट कर रहा है ये टी, इसमें राइट हैंड थंब लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिख रहा है, एंड ये 40 जो एक्ट कर रहा है इसमें भी राइट हैंड थंब लेफ्ट की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और 3T जो एक्ट कर रहा है इसमें द वे 3T इज एक्टिंग राइट हैंड थंब इज विजिबल गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स आपको गिवन है थीटा ए सी, थीटा ए सी को मैं ब्रेक कर सकता हूं थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी में। आई कैन ब्रेक इट इनटू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी। थीटा ए बी कैन बी रिटन एज टी ए बी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन ए बी सेगमेंट का रिजिडिटी। थीटा बी सी कैन बी रिटन एज टी बी सी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन बी सी सेगमेंट का रिजिडिटी इज इक्वल टू थीटा। वॉट इज टी ए बी? टी ए बी वैल्यू इज माइनस टू टी। टी ए बी वैल्यू इज माइनस टू टी। आइदर साइड इज द कंसेप्ट। TAB वैल्यू इज माइनस टू टी। तो बड़े आराम से मुझे थीटा AB को मैंने एक्सप्रेस कर दिया
टी ए बी इंटू एल अपॉन इसका रिजिडिटी और थीटा बी सी को मैंने एक्सप्रेस कर दिया टी बी सी इंटू एल अपॉन इसका रिजिडिटी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा. नाउ 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 ध्यान से समझियो, जीजे ने जीजे को मार दिया, एल ने एल को मार दिया एंड आई एम लेफ्ट विद टी ए बी अपॉन टू प्लस टी बी सी इज इक्वल टू थीटा. बट टी ए बी है क्या, टी ए बी है क्या, माइनस टू टी. किधर से कैलकुलेट किया, लेफ्ट से. टी बी सी क्या है, टी बी सी क्या है, टी बी सी है माइनस टू टी प्लस टी. इधर से कैलकुलेट किया लेफ्ट से, अगेन माइनस टू टी प्लस टी इज इक्वल टू थीटा. सो आई एम गोइंग टू गेट माइनस टी एंड हेयर आई एम गोइंग टू गेट टी माइनस टू टी इज माइनस टी अगेन इज इक्वल टू थीटा. सो आई गेट टी इज इक्वल टू माइनस थीटा बाई टू, टी इज इक्वल टू माइनस थीटा बाई टू. ध्यान से समझियो. नाउ आई एम गोइंग टू, अब मुझे बोला गया है भोपाल में कैलकुलेट करो दिल्ली के रिस्पेक्ट में, भोपाल में कैलकुलेट करो दिल्ली के रिस्पेक्ट में. नहीं नहीं, ये टीएल बाई टू जीजे नहीं बताना है, थीटा के टर्म्स में बताना है आपको, थीटा के टर्म्स में बताना है. अगर अहमदाबाद से चंडीगढ़ थीटा है तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में भोपाल में क्या होगा. इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू अहमदाबाद इज थीटा, देन व्हाट विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट भोपाल विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली. ओके चलो, तो इसी स्पेस में मैं यूज करता हूं. अब इस बारी मुझे दिल्ली से भोपाल कवर करना है, तो पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ कवर करूंगा और उसके बाद चंडीगढ़ से भोपाल. आई हैव टू कवर दिल्ली टू भोपाल, सो आई विल बी कवरिंग दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड आई विल बी कवरिंग चंडीगढ़ टू भोपाल. ओके, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडी, लास्ट वाला ट्विस्टिंग मोमेंट पहले कैलकुलेट कर लो. 3t हो, ये है तो 3t गिवन है. हाँ, वैसे भी इक्विलिब्रियम से भी 3t आ जाता. सो चंडीगढ़ से दिल्ली कितना है ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट है प्लस 3t. हाउ मच इज द ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट इज प्लस 3t एंड लेंथ इज l एंड रिजिडिटी यहां पर है 2gj एंड चंडीगढ़ से भोपाल, हालांकि एक बार आप लेफ्ट से कैलकुलेट कर चुके हो इस सेगमेंट में ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू. इन दिस सेगमेंट वंस यू हैव कैलकुलेटेड द ट्विस्टिंग मोमेंट वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से भी वही आएगा माइनस टी. फ्रॉम द राइट साइड आल्सो यू विल गेट द सेम वैल्यू. एंड इस सेगमेंट का रिजिडिटी क्या है, जी जे. सो 3TL बाई 2 जी जे माइनस TL बाई 2 जी जे, दिस विल बिकम TL by GJ, this will become TL by 2 GJ, TL by 2 GJ. ये क्या किया था मैंने, एक्चुअली हंगर ना अच्छे अच्छों को बदल देता है. टी को रिप्लेस कर सकते हैं थीटा जीजे बाई टू एल से.
फाइनल आंसर इज थीटा बाई फोर। फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स एडवर्टाइजिंग देख रहा है विनोद। नहीं सही में मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ भी आए बाएं साएं लिखने लग जाता हूं, और इस समय मुझे ऐसी भूख लगी हुई है ना कि मेरे सामने अगर कोई मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक करे मैं उसको खा जाऊं। और खाने से याद आया, अच्छे से टेस्ट दो नहीं तो मैं पराठा खिलाऊंगा आपको। यस 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 इट विल कम नेगेटिव। एक तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा ना, सैडी व्लॉगिंग करेंगे साथ में। अब चलो अभी तुम अरे गए काम से, अब कहाँ सीखोगे तुम कल बेंडिंग, खुद ही ट्विस्ट हो गए। एक तरफ मार्क्स पे फोकस ना करने को कह रहे। एक्चुअली देखो मैं आपको अपनी फिलॉसफी बता देता हूं, मैं कैसे एग्जाम देने जाता था। मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं धोनी बन जाता था, मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं मतलब शायद ये कंपैरिजन गलत है लेकिन मैं एग्जाम देने जाता था तो जैसे महात्मा बुद्ध बिहेव किया करते होंगे वैसे मैं बिहेव करता हूं, बिल्कुल खाम, पीस ऑफ माइंड, लाइक यू नो लाइक नहीं आएंगे मार्क्स तो चलेगा, एक एक क्वेश्चन करूंगा मैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन ऐसे करूंगा ना एग्जामिनर देखे और वो उस एक क्वेश्चन को देखकर वो मुस्कुराने लग जाए कि वाह। वो वैसा रहता था मेरा, और यकीन मानो मेरा वो वर्क करता है। शुरू में जैसे 3 घंटे का एग्जाम है, शुरू में आधे घंटे आप अगर बहुत रिलैक्स रह के अपनी इनिंग को बिल्ड करोगे, गलतियां नहीं करोगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा पूरी इनिंग को कॉन्फिडेंस के साथ आगे ले जाने में। एग्जैक्टली एमसीक्यू होते हैं सर, सिर्फ गेट की बात नहीं की मैंने, इन जनरल एग्जाम की बात की कि मेरा एग्जाम देने को लेकर माइंडसेट ही ये था। अरे एमसीक्यू में भी तो अगर किसी ने जैसे मैंने 46 क्वेश्चंस किए थे 65 में से, और आपको पता है 46 में मैंने मेरे गेट के समय मैंने 46 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 65, और 46 में से सिर्फ एक नेगेटिव, और वो भी इंग्लिश। एट माय टाइम ऑफ गेट आई अटेम्प्टेड ओनली 46 क्वेश्चंस आउट ऑफ 65 एंड ओनली वन नेगेटिव, दैट टू फ्रॉम इंग्लिश, दैट टू फ्रॉम वर्बल। गाइज कल एक्सियल लोडिंग और टॉर्सनल लोडिंग की प्रैक्टिस करो अच्छे से, कल 2:30 बजे टेस्ट है, 2:30 बजे इसलिए मैंने कर दिया है ताकि एक्चुअल गेट की टाइमिंग से मैच हो सके और आपकी एक मसल मेमोरी बन सके। ओके एक कामनेस के साथ आप 15-20 मिनट अप्रोच करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो चलेगा, अपनी इनिंग को बिल्ड करो यार। गेट T20 नहीं है, गेट इज नॉट T20, ठीक है। अभी आपको 40-50 मिनट का एंट्रोपी देखा मैंने आपका, डिटेल्स शानदार, क्या ही तो बात है संजू सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। अभी आपके पास 40-45 मिनट का टेस्ट है तो थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए, नहीं तो फिर आप 12 क्वेश्चंस में 30 मिनट आप इनिंग ही बिल्ड करते रह जाओगे। ओके लेकिन गेट में आपको शुरू के आधे घंटे पक्का टाइम मिलता है इनिंग को बिल्ड करने का। 1 मार्क क्वेश्चंस करो सिर्फ जिनमें आप सुपर कॉन्फिडेंट हो।
आपका एनर्जी लेवल बहुत खतरनाक है। रोमिल, मैं एनर्जी डिराइव करता हूं लर्नर्स से, आप है मेरे साथ तो एनर्जी रहेगी। चलो थैंक यू सो वेरी मच। इसमें अभी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट और सॉलिड और हॉलो का कंपैरिजन बाकी है, वो मैं कल करवा दूंगा शुरू में, और उसके बाद हम लोग करेंगे एसएफडी मीएमडी और बेंडिंग स्ट्रेस। धन्यवाद, शुभरात्रि मित्रों। एक बात याद रखना, सुनो, भीड़ का हिस्सा नहीं हो तुम, और ये बात मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, भीड़ का हिस्सा नहीं हो तुम, सच में। थैंक यू सो वेरी मच पीपल, बाय।